फाइनल ट्रेड में आपका है स्वागत। जबरदस्त रिकवरी के साथ बाजार कर रहे हैं ट्रेड। निफ्टी पूरी रिकवरी के साथ अब है सपाट। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी दिखाकर अब सिर्फ 200 अंक है नीचे। ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। आज मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है, ढेरों नतीजे भी आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। अलेम्बिक फार्मा पर भी रखिए नजर, उसके नतीजे भी अभी अभी आए हैं। मुनाफा 333 करोड़ से घटकर 170 करोड़ का आते हुए दिखा है, तो थोड़ी कमजोरी वहां पर आपको दिख रही है। स्ट्राइड्स फार्मा के भी अभी आए थे कमजोर नतीजे। इन सभी नतीजों का करेंगे एनालिसिस और साथ ही जानेंगे आने वाले नतीजों पर, मार्केट के एक्शन पर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और इंडेक्स पर क्या रणनीति आपको बनानी है। उससे पहले बता देते हैं आपको इस समय की बड़ी बातें। सबसे बड़ी बात तो यही है, दमदार रिकवरी बाजार में आती हुई दिख रही है। 125 अंक सुधर कर निफ्टी 18,050 के पास है। सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 400 अंकों की रिकवरी। वहीं निफ्टी बैंक भी निचले स्तर से करीब 250 अंक रिकवर होते हुए दिखा है। ऑटो, फार्मा, इंफ्रा और स्मॉल कैप इंडेक्स, यहां पर आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। बल्कि ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है आज भरपूर। उसके सामने मेटल, रियल्टी, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और कुछ फाइनेंशियल्स, यहां पर आपको कमजोरी दिख रही है। हालांकि अभी वहां पर भी रिकवरी के आसार आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा, फ्यूचर्स करीब 100-125 अंक नीचे था, अब एकदम सपाट है रिकवर होकर। यूरोप के बाजारों में लगातार चौथे दिन आपको सुस्ती का ही माहौल दिखेगा। तो ग्लोबल मार्केट्स हैं ठीक ठाक, हमारे बाजारों में है दमदार रिकवरी। क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, कहां पर बनेगा एक्शन, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आइए उससे पहले आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और इसके साथ ही आज के कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। मानसी बताएं कौन से ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु, लंबी लिस्ट है ट्रिगर्स की और रिजल्ट सीजन भी है, तो कई सारे नंबर्स आज से लेकर शुक्रवार तक आने वाले हैं। आज से एक तो बर्जर पेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, पिडिलाइट और मेट्रोपोलिस के नंबर्स वायदा बाजार में, ये बच्चे हैं, इनके रिजल्ट्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा 3 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 4:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है जिस पर नजर रहेगी। पेटीएम का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। वहीं डालमिया भारत शुगर, इक्विटी शेयर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अलग अलग मीटिंग्स आज होने वाली है। मॉयल बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बायबैक पर फैसला लेगा। ऑयल इंडिया बोर्ड में अंतरिम डिविडेंड पर फैसला मिलता हुआ दिखेगा। कल 11 नवंबर के दिन निफ्टी में टाटा स्टील लिमिटेड के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिख सकते हैं। और वायदा बाजार की तो 10 कंपनियां हैं, अस्ट्रॉल लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर, एचएल, कुल मिलाकर 10 कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। सफायर फूड का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जिसका 1,120 से लेकर 1,180 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं आईओसी, बीपीसीएल, डाबर और आरईसी कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। 12 नवंबर के दिन शुक्रवार को निफ्टी में 4 कंपनियां ग्रासिम, हिंडालको, हीरो मोटो और ONGC के नंबर्स पर फोकस रहेगा। वायदा बाजार की कुल मिलाकर 13 कंपनियां हैं, एल्केम लैब्स, अमारा राजा बैटरीज, अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ड, कई सारी कंपनियां वायदा बाजार में जो कि अपने नतीजे पेश करेंगी। फिनो पेमेंट बैंक आईपीओ की लिस्टिंग होने की होगी 12 तारीख को। वहीं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का आईपीओ शुक्रवार के दिन बंद हो जाएगा। टाटा स्टील में मर्जर के चलते टाटा स्टील बीएसएल में ट्रेडिंग जो है शुक्रवार की क्लोजिंग के साथ ही अब बंद होती हुई दिखेगी। वहीं एशियन पेंट्स कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमतें 7-10% बढ़ा सकती है शुक्रवार के दिन, इस पर भी नजर रखेगा। एमएससीआई में बदलाव की घोषणा होने वाली है शुक्रवार की क्लोजिंग से, 1 दिसंबर को लागू होते हुए ये बदलाव दिखेंगे। वहीं सेप्टेम्बर आईपी और अक्टूबर सीपीआई के डेटा भी फ्राइडे को आएंगे। एसएच केलकर और अक्षर केमिकल शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट रखी गई है फ्राइडे। वहीं इंडो अमाइंस नतीजों के साथ शेयर विभाजन पर विचार करेंगे। रूट मोबाइल क्यूआईपी के फाइनल साइज और प्राइस पर फैसला होगा। और मिर्जा इंटरनेशनल बोर्ड बैठक में कारोबार के रीस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा होने की संभावना है। और अंत में सन टीवी शुक्रवार को एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो एक्शन पैक्ड 3 दिन है हमारे सामने और लगभग सभी नतीजे भी इसी 3 दिनों में आ जाएंगे, तो नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन रहने वाला है थर्सडे और फ्राइडे। पर आज भी हमने देखा है काफी सारे नतीजे हैं, अलेम्बिक के नतीजे भी आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। वरुण, कुछ और नतीजे ऑलरेडी आ गए हैं उनके बारे में बताएं। कुछ नहीं, काफी सारे नतीजे आ गए, स्ट्राइड्स में अंदर आता तब आ गए थे। इसके अलावा फर्स्ट हाउस कंसोलिडेटेड मुनाफा जो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 134 से बढ़कर 135, मार्जिन 12% से बढ़कर 12.7% के आसपास आए हैं। स्टोन हिल ग्रुप का 2.7 करोड़ के आसपास में अधिग्रहण ये कंपनी करने वाली है। कल्याण ज्वेलर्स घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आई है, 136 करोड़ के घाटे के मुकाबले 69 करोड़ का मुनाफा जो है वो कंपनी ने किया है, मार्जिन 1.1% से बढ़कर 7.9%। इंडिया सीमेंट मुनाफा करीब करीब 22 करोड़ के आसपास का रहा है, 41 करोड़ का अनुमान था, मार्जिन घटे 22% से गिर के 11.3%। मार्क्सन फार्मा कंपनी की जो आय है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, 356 करोड़ से बढ़कर 361 करोड़।
कंपनी के जो मार्जिन है 23% से घटकर 16.6% पे रहे हैं। अनुपम रसायन मुनाफा 26 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़, इंडियन टेरेन घाटे से मुनाफे में आई है, 17.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 2 करोड़ का मुनाफा किया है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का जो कंसोलिडेटेड घाटा है वो ऑलमोस्ट फ्लैट 12 करोड़ के आसपास रहा है। एसकेएफ इंडिया मुनाफा 5.7 करोड़ से घटकर 60 लाख के आसपास रहा है। अवध शुगर मुनाफा 7.2 करोड़ से बढ़कर 25.2 करोड़ पे आया है। फैक्ट मुनाफा 86 करोड़ से घटकर 36.5 करोड़ और हॉकिंस कुकर कंपनी का जो मुनाफा है बिना किसी बदलाव के 26 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये वो चुनिंदा रिजल्ट्स है जो कि आफ्टर मार्केट्स आए हैं। इसके अलावा खबरों की बात करें तो हमने आपको बीएससी एमसीएक्स के लिए जो एक्सक्लूसिव खबर दी कि सेबी जो है वो कमोडिटी मार्केट में एफपीआई को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है, तो इसका इंपैक्ट इन काउंटर्स पे भी देखने मिला है। पेट्रोनेट एलएनजी के सीईओ की तरफ से बयान आया है कि अगले एक दशक में गैस की जो मांग है उसमें 3 से 4 गुना के आसपास बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। कैडिला हेल्थ यूएसएफडीए से एक इंजेक्शन के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। सन फार्मा यूएसएफडीए से एक दवा के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इस कंपनी को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से 23.3 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रेलटेल इंडिया कंपनी को सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम से 22 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एनबीसीसी ने अपडेट दिया है कि अक्टूबर में इस कंपनी को कुल 467 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। टूब इन्वेस्टमेंट ने एक छोटा अधिग्रहण किया है 3.5 करोड़ में, 25% के आसपास की हिस्सेदारी जो है एरोस्ट्रोलो विलोस में, ये कंपनी जो है एनर्जी कंपनी है ये, उसमें खरीदने वाली है। टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में है क्योंकि 5G ट्रायल की समय सीमा जो है वो 6 महीने बढ़ चुकी है, 2022 के मई तक इसको बढ़ा दिया गया है। भारतीय एयरटेल ओरेकल के साथ क्लाउड सेंटर के लिए स्टार्टअप सेटअप जो है वो एक कंपनी करने वाली है। और पीएनबी में यहाँ सेविंग डिपॉजिट दरें जो है करीब 0.05 से 0.1% के आसपास की कटौती जो है इस कंपनी ने की है। नई दरें जो है 1 दिसंबर से लागू होगी। ओके, तो ढेरों खबरें हैं और नतीजों का ही रिएक्शन, और कई सारे नतीजे आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। एगर्शी मोटर्स, हालांकि नतीजे ठीक हैं बट स्टॉक थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। टीडी पावर के भी नतीजे आ रहे हैं, कुछ और भी नतीजे आने वाले हैं। पर आइए उससे क्विकली सारे एक्सपर्ट्स का करते हैं स्वागत, और ओपनिंग बिगुल सचित जी के लिए इस बार बीटीएसटीटी। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, यहाँ पर भारतीय एयरटेल में पिछले दिनों से जो आउट परफॉर्मेंस थी, मुझे लग रहा है एक काफ़ी बड़ी एक्सेलरेटेड मूव यहाँ पर ट्रिगर हुई है ऑन द हायर साइड। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 725 पे। फर्स्ट टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से अराउंड 740 का, एंड सेकेंड टारगेट जो एक पोजिशनल टारगेट होगा वो लगभग अराउंड 756 के आसपास प्लेस्ड है। सो खरीदारी करनी चाहिए भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स। 56 ये दो टारगेट्स हैं भारतीय एयरटेल पर, करनी है खरीदारी। बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है और बहुत कॉन्फिडेंस है, और स्टॉक का नाम भारती ही है। भारती बाय करने की सलाह है भारतीय एयरटेल, पर हम कॉल के नजरिए से देखेंगे क्योंकि फ्यूचर्स का कॉल सचिन ने पहले ही दे दिया है। तो आपको बाय करना है 730 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 15, 15.5, 16 के आसपास मिल रहा है। बिल्कुल बाय करना चाहिए इन्हीं लेवल्स पे। बहुत ही शानदार ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है जो सचिन जी ने कहा 750 का टारगेट बिल्कुल कल सवेरे देखने को मिलेगा। तो 12 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस है, सिर्फ 4 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 25 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 29 दूसरा, यानी लगभग 60-65% आरओआई मिलेगा एक दिन में। तो इतने बड़े आरओआई के लिए बिल्कुल आपको भारतीय एयरटेल का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना चाहिए। फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हैं क्योंकि जो 730 का कॉल ऑप्शन में लगभग 80 लाख शेयर्स है जो कि ट्रैप हो चुके हैं, और सब एक्टिविटी जैसे कल हमने बिरला सॉफ्ट की कॉल दिया था उसी तरह से 750 के कॉल ऑप्शन में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से बहुत ही बेहतरीन कॉल रहेगा, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी बेहतरीन है। जबरदस्त एक्शन है भारतीय एयरटेल में, और बड़ी रिकवरी के बाद बाजार भी अच्छे दिख रहे हैं। भारतीय एयरटेल लीड कर रहा है इस समय, नजर रखिए इस काउंटर पर भारतीय एयरटेल। सदाबहार बोल रहे हैं इस पर आशु सर, उनका भी करते हैं स्वागत। और आशु सर, एक बार जरा मार्केट पर राय दें, क्योंकि आज सुबह तो लग रहा था कि डीप कट्स आ सकते हैं, एक समय तो डर था कि शायद 17800 का भी लेवल टेस्ट करेगा, पर जिस हिसाब से रिकवरी आई है पिछले एक घंटे की, उसको कैसे समझे सर, और बाजार क्या संकेत दे रहा है इस समय?
दीपांशु, रिकवरी शॉर्ट कवरिंग है और फिर वो वाली सेम वाली बात है कि इंडेक्स पे इतनी मारामारी नहीं है जितनी रिस्पेक्टिव स्टॉक्स पे है, और उन स्टॉक्स पे दीपांशु इंपॉर्टेंट है नोट करना जो बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप्स हैं और एफआईएस के फेवरेट हैं। जिस तरह से हमने एफआईएस की सेलिंग देखी है, आप ये देखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस तरह के स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आ रही है। तो आज जब बाउंस नीचे गिरावट हुई थी तो दीपांशु हमने कॉन्ट्रा कॉल इंडेक्स में कॉल लेने को दी थी जो कि अभी मैच्योर हो गई है, लेकिन अगर आप कहें तो मेरे पास अभी एक कल के लिए एक बुल स्प्रेड है करंट मार्केट में और एक स्टॉक, एक दो स्टॉक्स की भी कॉल है, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। चलिए तो पहले एक इंडेक्स पर जो स्प्रेड है वो लेते हैं। बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। दीपांशु पिछले दोनों स्प्रेड 17,900-18,100 मंडे को दिया था हमने, 18,100-18,200 दोनों स्प्रेड में प्रॉफिट है, कोई चाहे तो बुक कर सकता है। और अगर किसी को इस रिकवरी को और खेलना है और पैसे नहीं लगाने और पार्टिसिपेट भी करना है तो एक बहुत अच्छा स्प्रेड है दीपांशु, 18,000 की कॉल मिल रही है अभी 111 रुपये में और 18,100 की कॉल है 54 रुपये में। तो अगर एक कॉल लेके हम दो कॉल बेचते हैं तो दीपांशु ये 2 या 3 रुपये कॉस्ट में आती है जो कि ऑलरेडी 50-60 रुपये इन द मनी है। 18,000 की एक कॉल लेनी है, 18,100 की दो बेचनी है, ये सिर्फ 3 रुपये में बन रही है, 2 या 3 रुपये में, और 18,200 तक सेफ है और नीचे तो अगर चला गया तो हमारे को कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन ये 2-3 रुपये अपने को 25-30 रुपये आराम से दे सकते हैं, मतलब 3 रुपये 30 रुपये हो जाएंगे, 10 times जितना पैसा लगाया है मार्जिन छोड़ के उसका मतलब आ सकता है। तो आई थिंक ये एक निफ्टी का स्प्रेड है, ये जरूर बनाना चाहिए, और अगर अगर ये रैली और जानी है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिर 18,050 और 18,100 पे फिजल आउट होगी जो पिछली बार भी हुई है और पिछली दो बार से हुई है। तो रेंज दीपांशु वही है 17,700-18,100, हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, अब फ्रेश लेन नहीं करना, जो लेन करना है स्प्रेड के थ्रू करना है ताकि मेरे लॉस के चांसेस बड़े मिनिमल होने चाहिए अगर मार्केट वापस करेक्ट करता है तो। बिल्कुल, तो अब फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, अगर कर रहे हैं आप तो ये स्प्रेड जरूर बना के चलें। कल ही की एक्सपायरी के लेवल्स हैं ये कॉल्स हैं जो आशु सर बात कर रहे हैं इस समय, क्योंकि रिकवरी ऑलरेडी निचले स्तरों से अच्छी आ गई है, वापस कंजेशन जोन में है बाजार, तो इसलिए फ्रेश व्यू अगर ले रहे हैं तो स्प्रेड के जरिए लें, ये आशु सर आपको बता रहे हैं। चलिए नजर है बाजार के एक्शन पर और नजर है ढेरों नतीजे भी जो आने वाले हैं। बर्जो पेंट्स ये एक बार जान लेते हैं इस पर अनुमान बाजार का वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली डीप, तो थोड़े कमजोर नतीजे रहने वाले हैं और खासकर मार्जिन और प्रॉफिट के फ्रंट पे नतीजे जो है वो कमजोर रहेंगे। कुल मांग अगर आप देखेंगे तो मांग अच्छी थी यहाँ पे, खासकर अगर आप देखेंगे तो वाटरप्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल की मांग जो है वो काफ़ी बेहतर थी, तो उसकी मदद कंपनी को मिलेगी। जो सब्सिडरीज है इस कंपनी की वहाँ करीब 10-12% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, इसके लिए वॉल्यूम ग्रोथ जो है 12-14% रहेगी, रेवेन्यूज 14% बढ़ेंगे, 1990 करोड़ पे आएंगे, लेकिन दिक्कत होगी कंपनी के एबिटा फ्रंट पे जहां पे 3% के आसपास की गिरावट होगी और मार्जिन जो है 19.2% से गिर के 16.3% पे आएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी है उसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पे होगा और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है आपको कंपनी के मुनाफे में देखने मिलेगा जहां पे करीब 5.5% के आसपास की गिरावट होगी, 210 करोड़ पे आने वाले हैं। तो आय बढ़ेगी, मार्जिन मुनाफा घटने वाला है। आय बढ़ेगी, मार्जिन मुनाफा घटेगा, यह है आपके लिए बर्जो पेंट्स पर राय इस समय। चलिए नजर रखते हैं उस काउंटर पर एक काउंटर जो सुबह से एक्टिव है और अब थोड़ी और हमने खरीदारी आती है, देखिए इंडिया मार्ट। वागले साहब जरा इंडिया मार्ट का चार्ट देखिए, लंबे समय बाद अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं और 5% की कन्विंसिंग मूव है, क्या चल रहा है इस चार्ट में, यहां से और ट्रेड देखते हैं इस पे सर। दीपांशु बहुत ही अच्छा पैटर्न है, हालांकि थोड़ा सा इलिक्विड है, लेकिन आज के दिन में ये 7500 जब इसने ब्रेक किया तभी मेरे रडार पर आया था, लेकिन तभी हम शेयर पे नहीं थे, पोजिशनली यहाँ पर भी लिया जा सकता है 7480 के स्टॉप लॉस से, ऐसा लंबा होगा पोजिशनली, मुझे लगता है यह 8100-8200 तक जाना चाहिए, जो यहाँ से भी लगभग एक 600 रुपया है, तो एक 100 रुपये के रिस्क होगी, 400 रुपये का सकता है। इंडिया मार्ट इस समय क्रॉस करते हुए आपको दिख सकता है, 5% की बढ़िया मूव आ रही है इस पर। कुछ और भरपूर कॉल्स आ रही हैं, आशु सर की कॉल भी लेनी है, उससे पहले सचिन जी एक और कॉल दे रहे हैं, तो बिगुल बीटीएसटीडी। बताएं सचिन जी। दीपांशु यहां पर हेवल्स का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है, लगभग ये पिछले हफ्ते हमने जैसे सीमेंस में एक बाय कॉल दिया था उसी
प्रकार का ये पर्टिकुलर सेटअप है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऑलरेडी ऊपर चला गया है काउंटर, जिस तरीके से 1350 पे फिलहाल प्लेस्ड है, लगभग मुझे लग रहा है पोजिशनली 1430 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, एक काफ़ी बड़ा पुल बैक हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1395 का, खरीदारी करनी है हेवल्स में, स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1328 पे, फर्स्ट टारगेट होगा 1395 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 1430 का। पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। चलते हैं आशु सर के पास, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। दीपांशु एक मेटल स्टॉक है, मुझे उस मेटल्स में बीच बीच में रिजल्ट अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छे आ भी रहे हैं, उसके चलते ओवरबॉट हो रहा है, तो एक पॉसिबल एक्सीडेंटल कैंडिडेट हो सकता है, पॉसिबल बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें शॉर्ट जरूर बना सकते हैं स्टॉक का, क्योंकि ये ना पब्लिक का फेवरेट है, और जो फेवरेट होते हैं ना दीपांशु उसी में ज्यादा दिक्कत आती है, तो टाइमली उसमें मैं तो बोल रहा हूं कि एग्जिट कर लें तो अच्छा है। सेल में मेरी बिकवाली की राय है, 120 का भाव है, 124 के स्टॉप लॉस से 110 से 105 का भी टारगेट आ सकता है, स्टॉप लॉस 4 रुपए का, लॉट साइज बड़ा है, अगर किसी को पुट लेनी है तो पुट भी ले सकता है। तो मुझे लगता है इस मार्केट में जो इतने जो बाउंस बैक आया है, इसमें भी देखिए आप देखिए मेटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और सेल बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आई थिंक ये ऐसा पोटेंशियल कैंडिडेट है जो नीचे में ब्रेकडाउन भी दे सकता है, कंफर्म देगा कि नहीं आई थिंक 20-19 के नीचे जाने के बाद और कंफर्मेशन आएगी, बट मुझे लगता है कि प्रिकॉशनरी इसमें, क्योंकि लोगों का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, वन शुड बी कॉशियस इन सेल। इसको करें सेल, यह है आशु जी की राय। इस समय थोड़ा दबाव इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। बाकी मेटल्स में हम वीक देख रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील में आज आपने 3% की गिरावट देखी है, हिंडाल्को भी वीक दिख रहा है, तो मेटल काउंटर्स वीक हैं। चाइना में भी हमने देखा है कि स्टील के प्राइसेस में भारी गिरावट आई है, तो उसका भी थोड़ा एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इस स्पेस पर आते हुए आपको दिखेगा। आइए सेल पर है बिकवाली की राय पर पिडलाइट, इसके नतीजे भी आएंगे, एक बार वरुण से ही जानते हैं पिडलाइट के नतीजे कैसे रहेंगे। वरुण देखिए दीप, कमजोरी यहाँ भी रहेगी, थोड़ी बहुत मांग को लेकर भी दिक्कत है, वैसे तो रियल एस्टेट सेक्टर जिसको ये केटर करता है वहाँ से मांग अच्छी है, लेकिन इस कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो कॉलेजेस, स्कूल्स, ऑफिसर्स में भी बिकते याद रखेगा, और वहाँ अभी तक मांग जो है पिछले क्वार्टर तक तो नहीं आई थी, इस क्वार्टर में शायद आपको देखने मिलेगी। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 3-4% के आसपास रहेगी, घरेलू बाजार में माना जा रहा है कि 20% से ज़्यादा की आपको ग्रोथ देखने मिल सकती है, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार थोड़ा ढीला रहेगा, रेवेन्यू 17% बढ़ेंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ भी एबिटा और मुनाफे को और मार्जिन को लेके है, एबिटा 4.5% गिरेगा, मार्जिन में 5% की गिरावट आएगी, 27.3% से गिर के 22.3%, और मुनाफा जो है 7.5% गिरने वाला है, 330 करोड़ के आसपास ही आएगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4% के आसपास की प्राइस हाइक ली थी, लेकिन उसका भी कोई बड़ा फायदा जो है वो कंपनी को नहीं होने वाला है, मार्जिन में दबाव रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए पिडलाइट, मार्जिन पर दबाव रहेगा, यही स्टोरी है इस पूरे अर्निंग सीजन की, और पिडलाइट में भी आप वैसा ही एक्शन देखेंगे। मजगांव डॉक, इसके नतीजे आ रहे हैं, और कुणाल जी जरा चार्ट पुल अप करें, दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, मुनाफा 99 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ का है, तो 35% मुनाफा बढ़कर आया यहां पर, और आय में भी हमने बढ़िया उछाल देखा है, करीब 1100 करोड़ से बढ़कर आय 1570 करोड़ की आई है, 73 करोड़ से बढ़कर कामकाजी मुनाफा 85 करोड़ का आते हुए दिखा है, तो दमदार नतीजे मजगांव डॉक के आए हैं। हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर यहां पर भी दिखा है, करीब 1% का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन रहा है मजगांव डॉक में। कुणाल जी, मजगांव डॉक चार्ट पर नंबर्स पर रिएक्ट भी कर रहा है, और वैसे भी पिछले हफ्ते 10 दिन में अच्छी रैली दिखी है इस काउंटर में। बिल्कुल दीपांशु, चार्ट बहुत शानदार है, देखिए ये स्टॉक 255 रुपए से चल रहा है और 255 से चलकर अब 315 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो देखिए इन स्तरों पर हमने देखा है जिनके नतीजे अच्छे भी आए हैं, लेकिन स्टॉक काफी बढ़ चुके हैं वहां पर आपको एक करेक्शन देखने को मिला है, तो यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है कि 310 रुपए के नीचे 309 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। अगर आपने पहले खरीद की हुई है और अब नतीजे आए 309 के नीचे जाता है, प्रॉफिट बुक करके निकल आए, अन्यथा बने रहे, मुझे लगता है अभी भी तेजी की गुंजाइश है, और जैसे ही स्टॉक 320 पार करेगा, इसमें 333 के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो 309 के स्टॉप लॉस से बने रहने की राय। 309 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे मजगांव डॉक का एक्शन में आ रहा है, नतीजे भी अच्छे रहे हैं इनके। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक बिगुल के साथ उनका करते हैं स्वागत, जय का जैकपॉट। बताएं जय, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु।
मार्केट तो काफी साइडवेज है, हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, वोलेटिलिटी काफी है, बट देन एक स्टॉक है जिसमें क्लियरली एक अपमूव देखने मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिल रहा है, वो यूपीएल है। यूपीएल का 770 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है दीपांशु, यहाँ पे 26.50 रुपए पे आपको ये मिलेगा, 18.5 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए दीपांशु, तो करीब करीब आपका 8 रुपए का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। 26.5 पे खरीदे, 18.5 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें जो फर्स्ट टारगेट दीप बन रहे वो है 34 रुपए के, 34 के, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है दैट इज 43, सो 34 एंड 43, अगर आप आंकड़े भी देखें तो उल्टे हैं, ये दो टारगेट्स यू नो बनकर आ रहा है यूपीएल में 770 के कॉल में। अगर आप देखें तो जो हिसाब से ये स्टॉक में क्लियरली प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस निकला है इसका 760 के लेवल का, मुझे ऐसा लग रहा है नाउ दिस स्टॉक इज हेडिंग टूवर्ड्स यू नो 810, 800 के ऊपर जाने की तैयारी, और 810 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं, तो 40 रुपीज का तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू हो सकता है अगर हम एक्सपायरी तक देखें दीप, और जिसमें काफी समय बाकी है, सो आई थिंक उसके पहले ये टारगेट हासिल होने चाहिए, और अगर यू नो 4-5 दिनों में ही अगर ये होता है तो 34 एंड 43 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए यूपीएल, इस पर खरीदारी किराए एक्शन में आते हुए दिख सकता है ये काउंटर। स्पेशल पिक देने के लिए तैयार है राकेश जी, कुणाल जी, बिगुल, उनके लिए स्पेशल पिक का। बताया सर, राकेश जी, कुणाल जी, बताएं सर आपकी स्पेशल पिक। दीपांशु, खरीदारी की राय है और स्पेशल खरीदारी की राय है MHRIL में, यानी कि महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स में। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जो जबरदस्त ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक भी एक काफी बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ओपनिंग अप थीम की चर्चा तो हम लोग कर ही रहे हैं, सभी लोग छुट्टियों की योजनाएं बना रहे हैं, और MHRIL में बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, इन स्तरों पर बाय करके चलें। इस स्टॉक में काफी ऊपर के लेवल आते हुए दिखेंगे, हमें लगता है कि एक स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 252 रुपए, जो कि ब्रेकआउट का स्तर है, उसके आसपास 252 के स्टॉप लॉस से बाय करें। यह स्टॉक 300 रुपए तक सीधा जाने की कुवत रखता है, लेकिन हमारा टारगेट है 275 रुपए का, 275 के एकमुश्त टारगेट के लिए बाय करें, 252 पर स्टॉप लॉस रखें। 275 के टारगेट और के लिए खरीदारी करनी है। महिंद्रा हॉलीडेज बुलिश हो रहे हैं ओपनिंग अप थीम पर, बुलिश हो रहे हैं हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स पर, क्योंकि आज सुबह भी हम देख रहे थे इस स्पेस पर राकेश जी, कुणाल जी की कॉल आती हुई दिखी थी, डेल्टा कॉप पर भरोसा था, और अब हम देख रहे हैं एक मूव आएगी महिंद्रा हॉलीडेज में। डेल्टा कॉप की बात निकली, आशु सर वीकेंड का प्लान सेट है, 300 के पार आज डेल्टा भी है, तो आपके इंतजार में स्टॉक भी मूव कर रहा है सर? दीपांशु बिल्कुल सेट है, मैं वहां से बिल्कुल चैनल चेक करके आपको लाइव पिक्चर आपको टैग करके पोस्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं, यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो दैट, आई प्रॉमिस। ये बढ़िया, तो आशु सर के गोवा जाने की खुशी में डेल्टा कॉप भी आज सेलिब्रेट कर रहा है, 300 के पार गया है। सुबह राकेश जी, कुणाल जी की भी कॉल आई थी, और पोजिशनली तो अनिल जी ने भी आपको कहा है 325-350 के तो नियर टर्म टारगेट है, 400 के करीब भी काउंटर जा सकता है, तो मोमेंटम में हॉस्पिटैलिटी और रीओपनिंग प्लेस आपको आते हुए दिख रहे हैं। पर एक स्टॉक जो हमारी खबर के दम पर भी बढ़िया मोमेंटम में आया आज सुबह से और गेन्स होल्ड कर रहा है, MCX। सचिन जी जरा इसके चार्ट पर राय दे, 1950 आज एक्सक्लूसिव खबर हमने बताई थी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में FPIs का पार्टिसिपेशन अलाउ किया जा सकता है, 15 तारीख को बैठक है उसमें यह निर्णय या इस पर एटलीस्ट चर्चा तो होने ही वाली है, MCX पर क्या राय है 1950 पर सचित जी? डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश बायस ही है, इनफैक्ट अगर हम इसे थोड़े से लंबे नजरिए से देखें तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है लगभग यहाँ पर 2360 के लेवल की एक्सपेक्टेशन होगी। हाल फिलहाल में जो कंसोलिडेशन हुआ था वो कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, एक पुल बैक आया एंड वापस रिज्यूम करा है, तो काफी हेल्दी साइंस है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से। सो डेफिनेटली यहाँ पर रणनीति खरीदारी करने की ही रखनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो मुझे लग रहा है 1800 के स्टॉप लॉस के साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए 2370 के लक्ष्य के लिए। एंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक जो रनअप आया है फिलहाल, एंड अगर एग्जिस्टिंग किसी की लीवरेज पोजिशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर 1880 का उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऑन द हायर साइड रिव्यू करने के लिए जोन 2050 के आसपास का ही है। मुझे लग रहा है काफी बड़े चार्ट पे एक ब्रेकआउट हुआ था, उसी का ये फॉलो थ्रू एक्शन चल रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही मेंटेन रखना चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए। बिल्कुल, तो पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है MCX में, नजर रखिए, खबर का भी सपोर्ट इसको मिला है।
नतीजे थोड़े निराशाजनक जरूर रहे थे इस काउंटर के, बट उसके बाद आपको एक्शन में आते हुए दिखा है मुथूट फाइनेंस, इस पर भी एक एक्शन बनते हुए दिख रहा है। किरण जी जरा राय दें, परसों एक बड़ी मूव आई थी, कल थोड़ा कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, आज फिर से थोड़ा एक्शन दिखा रहा है, अभी थोड़ी फ्रेश बाइंग भी दिखी थी मुथूट फाइनेंस में, फिर से एक्शन दिखता है किरण जी? दीप, जिस तरीके से परसों के दिन 1540 से लेके 1680 तक रैली हो चुकी है, उसके बाद डेढ़ दिन से हम यानी कल और आज हाफ, मुझे लगता है फर्स्ट हाफ अब टाइम करेक्शन हो रहा है और ये अच्छी बात है। नीचे में 1620 1600 बहुत अच्छा बेस है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, तो 1600 के नीचे आपके लॉन्ग्स के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो तो और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और इवेंचुअली ये 1800 1850 तक जाने की संभावना बिल्कुल है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो अंडर करंट बिल्कुल स्टॉक में देखने को मिलेगा। ओके, तो मुथूट फाइनेंस पर रखिए नजर, बड़े ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट हुआ और अब फिर से आपको एक्शन में भी ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। पर फाइनेंशियल्स की बात निकली तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर भी रखनी है नजर, आने वाले हैं इसके भी नतीजे। देवांशी से जानते हैं क्या है बाजार का अनुमान। देवांशी, थोड़ा सुस्त है स्टॉक, बट नतीजे कैसे रहेंगे ये बताएं। दीपांशु, नतीजे भी थोड़े से सुस्त आने का ही अनुमान है। वैसे आप देखें, इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो वाइड रेंज है जो ब्रोकर्स लगा के चल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोविजंस के आंकड़े हैं वो सबसे अहम होंगे। अगर प्रोविजंस के आंकड़े कम होते हुए दिखते हैं तो जो मुनाफा है वो भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा, वरना फिर आप अगर देखें ऑन एवरेज जो मुनाफा है वो करीब 15% से लेकर 17% तक घटने की आशंका लगाई जा रही है। लोन ग्रोथ 1-1.5% बनने का अनुमान है और इसके चलते ब्याज से आय में भी अगर आप देखें तो करीब 6% तक की बढ़त देखने मिल सकती है। इस बार यही अनुमान है कि 3000 करोड़ से बढ़ेंगे, 4050 करोड़ के लेवल्स के आसपास आ सकते हैं। साथ ही अगर स्लिपेजेस की बात करें तो यहाँ पे स्लिपेजेस कम होते हुए दिखेंगे, वॉचलिस्ट कम होती हुई दिखेगी और अपग्रेड्स इस बार ज्यादा होने का अनुमान है, रिकवरी होती हुई दिखेगी। डीएचएफएल से जो रिकवरी होती हुई दिखे इसके चलते भी आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके मुनाफे में आता हुआ दिखेगा। असेट क्वालिटी में सुधार देखने की उम्मीद लगाई जा रही है। ग्रॉस एनपीएस 8.9% थे, वहां से घटकर 8.6% रहेंगे। नेट एनपीए 3% से घटेंगे, 2.9% रहने की आशंका है। लेकिन अगर आप देखें तो प्रोविजंस के आंकड़े सबसे अहम होंगे, वॉचलिस्ट कितनी आती है इस पर नजर रखें और आने वाले समय में क्रेडिट ग्रोथ किस तरह से जो ट्रेंड है आउटलुक है वो क्या बनता है इस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। बिल्कुल, तो बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा आपको कमजोर नतीजे या फिर नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, बट एसेट क्वालिटी प्रोविजनिंग पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। आशीष सर, कन्विक्शन बाजार का इस पर बनता रहता है, अब परफॉर्मेंस आए या नहीं आए, बट स्ट्रक्चर वाइज बैंक ऑफ बड़ौदा पर कोई राय? स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक तो इन सबसे अलग चल रहा है। मतलब हमारा स्टेट बैंक पे, बैंक बड़ौदा पे ध्यान था, हम तीनों की बात कर रहे थे, बट कैन बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। फिर तीनों बैंक दीपांशु स्ट्रांग है, अगर कोई डिप आता है तो अभी भी लेके चलना है, इनके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो प्राइवेट बैंक के अंदर है। इसमें पीएसयू बैंक्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस समय, तो नजर रखी जाएगी इस काउंटर पर। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी अभी थोड़ी एक मूव भी आती हुई दिखी है, अब देखते हैं ये ज्यादा सस्टेनेबल है या फिर खबर के दम पर ही एक्शन आया। पर एक स्टॉक जहां पर आपको परेशानी दिख रही है वो है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, इसके आए थे नतीजे तो थोड़े सुस्त थे, बट मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने गाइडेंस अपनी काटी है। पहले 15-18% की ग्रोथ गाइडेंस दे रहे थे, अब इसे काट कर सीधे 14.5-15% कर दिया है, तो काफी कम करी है इन्होंने अपनी गाइडेंस और उसका इंपैक्ट आप चार्ट पर भी देख रहे हैं। डेज लो पर फर्स्ट सोर्स इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही हमने बात करी, देवांशी से अनुमान निकाला, इसका नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखे। मुनाफा 2088 करोड़ का आया है, 1394 यानी कि लगभग 1400 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो फर्स्ट कट पे मुनाफा तो अनुमान से काफी बेहतर आपको आते हुए दिखा है। अब देखेंगे किस तरह की प्रोविजनिंग की गई है। एसेट क्वालिटी में भी आपने बढ़िया सुधार इस समय आते हुए दिखा है। ग्रॉस एनपीएस इनके 8.9% से घटकर 8.1% के आते हुए दिखे हैं, तो फर्स्ट कट पर तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर आपको आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा लगभग 1700 करोड़ से बढ़कर 2088 करोड़ का आते हुए दिखा है। नेट एनपीएस की भी बात की जाए तो 3% से कम होकर 2.8% के आपके नेट एनपीएस आए हैं, तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी में बढ़िया सुधार आपने आते हुए देखा है। साथ ही मुनाफे का फिगर भी अनुमान से काफी बेहतर है, तो अभी अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात चल भी रही थी आशीष सर के साथ, उन्होंने कहा भी स्ट्रक्चर अच्छा है, उसी का एक्शन आप स्क्रीन पर भी आते हुए देख रहे हैं। थोड़े और नंबर्स आने देते हैं, उससे पहले एक बार जरा चार्ट पर राय भी ली जाए कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, नंबर्स के बाद सडन रिवर्सल, पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक पर आ रहा है, 1% का स्पाइक, लेवल्स बताएं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए सर।
देखिए फ्रेश ब्रेकआउट अभी अभी चार्ट पर दर्ज हो रहा है, 107 रुपए के ऊपर निकला है बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स में और 107 पर ही रेजिस्टेंस थी, 106 रुपए 85 पैसे का लेवल पार हुआ है। तो मेरी राय में बिल्कुल दीपांशु खरीदना चाहिए इन स्तरों पर, एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस 106 पर रखें और मुझे लगता है 108-50 के लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, 110 तक भी जा सकता है। तो यहां पर 106 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय। बिल्कुल एसेट क्वालिटी में सुधार है जो हम बात कर रहे थे अभी, देवांशी अनुमान जब बताए रही थी तो हम बात कर रहे थे कि एसेट क्वालिटी को देखना पड़ेगा। 8.1 नेट एनपीए 2.83% पर आते हुए दिख रहे हैं, तो 3% से कम होकर 2.8 और 8.9 से कम होकर 9% का, वहां से भी बेहतर है 2.8% है और जो ग्रॉस एनपीए है 8.1% पर आते हुए दिखे हैं। और इसके साथ ही जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये सबसे अहम होगा, लोन ग्रोथ कितनी आती हुई दिख रही है। वैसे अगर आप देखें तो अन्य आय से भी इस बार थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखा है, अगर आप देखें तो 54.11 ये आता हुआ दिख रहा है, 541 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो थोड़ा सा अन्य आय से सहारा मिलता हुआ दिखा है इस बार। बिल्कुल, और आई थिंक प्रोविजनिंग के भी फिगर्स इनके अच्छे आते हुए दिखे हैं, क्योंकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग देखें तो काफी तेज गिरावट है, अगर आप साल दर साल भी प्रोविजन का आंकड़ा देखें तो कम ही प्रोविजनिंग करी है, करीब 2,811 करोड़ के सामने प्रोविजनिंग का इनका फिगर आ रहा है, 2,700 प्रोविजनिंग भी कम हुई है, तिमाही दर तिमाही तो काफी कम हुई है प्रोविजनिंग, और साल दर साल भी अगर आप देखें तो प्रोविजनिंग का सहारा मिलते हुए दिखा है। तो ओवरऑल बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, एनआईआई में भी बढ़त दिखी है, हालांकि हल्की सी बढ़त है, 7,500 करोड़ से बढ़कर 7,566 करोड़ की इनकी एनआईआई आती हुई दिखी है। मुनाफे में बढ़त है, अदर इनकम का सहारा है जैसे देवांशी बता रही थी, प्रोविजनिंग भी कम हुए हैं, एसेट क्वालिटी भी सुधर कर रही है। तो ओवरऑल फर्स्ट कट नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, अब देखते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या देना है स्लिपेजेस को लेकर और साथ ही आगे के आउटलुक को भी लेकर, बट बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे नंबर्स आपको फर्स्ट कट आते हुए दिख रहे हैं और इसी के दम पर आप स्टॉक पर भी रिएक्शन देख रहे हैं इस समय, तो बढ़िया एक्शन है इस पर। और इसी के साथ नजर रखेंगे बाकी बैंक्स पर भी कि SBI के अच्छे नंबर्स थे, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी अच्छे नंबर्स आए, तो बाकी PSU बैंक्स पर भी अब देखते हैं किस तरह का इसका इंपैक्ट रहेगा। पर आइए, समय है 2:30 और समय है स्वागत करने का सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। टीबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है सेठी साहब, और सही समय पर आप जुड़ रहे हैं क्योंकि बाजार में आई है दमदार रिकवरी, निफ्टी भी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में है। बताए सर आज क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु, आज भी दो स्टॉक में खरीदारी करनी है, कैश मार्केट के दोनों स्टॉक, तो दो बढ़िया कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से, बताए सर। देखिये, जो आज का पहला स्टॉक है वो स्टॉक का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो की अभी 235 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक सॉलिड कंपनी है, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। कंपनी 33 देशों में प्रेजेंट है और फिर इन्होंने हाल ही में इस साल अपना जो स्पेशलिटी ग्रेड जो कार्बन ब्लैक बनाती है, जो कि नॉन रबर एप्लीकेशन में काम आता है, जैसे फाइबर है, प्लास्टिक्स है, कोटिंग है, केबल्स है, इसका एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया है। फिर आपके एक तमिलनाडु के प्लांट में ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन भी किया, तो ये जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी है उसका भी फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। सितंबर क्वार्टर के नतीजे बेहद दमदार थे, 122 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 58 करोड़ का पैट था। बाकी हाल ही में इस कंपनी ने QIP के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाए और वो QIP किया था 244 के प्राइस पे, और उसी दौरान हमने देखा स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई और स्टॉक के जो इन लेवल्स पे, मतलब अभी QIP के भी नीचे के लेवल्स पे मिल रहा है, बट कई मार्की इन्वेस्टर्स ने उस QIP के जरिए कंपनी में निवेश किया है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, वैल्यूएशन के लिए आते बहुत ही सस्ता है, 9 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है और अपने हाईज जो साल के हाईज है 277 के हाईज है वहां से भी काफी नीचे है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे स्टॉक को खरीदना चाहिए, मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 250 रुपए का और स्टॉप लॉस छोटा है 230 रुपए। बिल्कुल, तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक कल भी हम देख रहे थे कि ट्रेड में काफी एक्टिव हो रहा था ये काउंटर और आज भी आपको इसमें अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो 250 के तक के टारगेट्स के लिए सिटी साहब की तरफ से है खरीदारी की राय। दूसरी कॉल सिटी साहब। दूसरा स्टॉक दीपांशु जो मेरा आज का है, कम चर्चा होती है स्टॉक की, स्टॉक का नाम है BCL इंडस्ट्रीज, जो कि 232-233 के लेवल पे ट्रेड करता है। आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे कारण है कि हाल ही में हम देख रहे हैं शुगर स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है और मैंने भी इस सोमवार को जो SPL मिड कैप सेगमेंट में शॉर्ट टर्म पिक दी थी आंध्रा शुगर
660 के लेवल पर रिकमेंड किया था, अभी 700 के लेवल पे है, 725 के हाईज लगाए। फिर उसी दिन दोपहर को, मतलब सोमवार को ही दोपहर को, मैंने धामपुर शुगर को भी रिकमेंड किया था 310 पे, 330 का टारगेट था, वो आज सुबह अचीव हो गया। सिमी जी ने भी आज सुबह रिकमेंड किया उस स्टॉक को, आज नतीजे भी आने वाले हैं। बट ये स्टॉक का आप शुगर से कनेक्शन ऐसा है कि ये कंपनी वैसे तो एडिबल ऑयल के कारोबार में है, बट ये एथेनॉल की भी एक इनकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, जो कि ये कंपनी आपके 325 किलोलीटर पर डे की एथेनॉल की कैपेसिटी है। और एथेनॉल का ही जो हम देख रहे हैं कि एक स्टोरी बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रही है, जितने भी शुगर कंपनीज है उनके रिजल्ट में हमको देखने को मिल रहा, तो इस स्टॉक को एथेनॉल के लिए भी प्ले करना चाहिए। और तीसरा इनका जो बिजनेस है वो रियल इस्टेट का है, जहाँ पे ये भटिंडा में दो प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है, डेट फ्री है जो रियल इस्टेट कारोबार है वो भी। बाकी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का है, डेट इक्विटी रेशियो 0.55 जो कि लगातार कम कर रही कंपनी, और पिछले तीन साल का पैट का केगर देखा वो अराउंड 53% का पैट का केगर है पिछले तीन साल का। और बाकी सितंबर क्वार्टर में 20 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया कंपनी ने, जो कि पिछले साल 11 करोड़ था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो 16 करोड़ के पैट के सामने 20 करोड़ का पैट। तो इस तरह के अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो 232-233 के लेवल पे खरीदना चाहिए, 250 का इसका भी टारगेट और 225 के स्टॉप लॉस। Okay, तो 250 के टारगेट्स के लिए BCL इंडस्ट्रीज को भी करें आप अपने रेडार पर रखें और खरीदारी करके चलें। सिटी साहब की तरफ से दोनों 250 के टारगेट्स की कॉल है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक और BCL इंडस्ट्रीज लगभग सिमिलर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रही हैं। सिटी साहब BCL पर टारगेट रिवाइज करना चाहेंगे सर, क्योंकि 245 का लेवल तो आपके बात करते करते ही टच कर दिया सर। एक्चुअली दीपांशु यही होता है, थोड़ा कम वॉल्यूम वाला काउंटर है तो बोलते में थोड़े भी बाइंग होती है तो वो बढ़ जाता है, बट मुझे लगता है इसको भी एक अच्छी क्वालिटी के अच्छे नतीजे हैं। शॉर्ट टर्म में ही मुझे लगता है 255-260 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। मुझे लगता है 255-260 तक के लेवल्स के लिए इंतजार करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए BCL इंडस्ट्रीज, 255-260 के भी आप लेवल्स अगर चाहें तो आप बढ़ा के रख सकते हैं, बट एक्शन भरपूर होने वाला है इस काउंटर पर। सिटी साहब की दो दो पिक्स, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। गुजरात फ्लोरो, इसके भी आए हैं दमदार नतीजे, और सत्य जी जरा आप इसके चार्ट पुल अप करें, क्योंकि नतीजों के बाद स्टॉक भी रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। आय 617 करोड़ से बढ़कर 964 करोड़ की आई है, मुनाफा 80 करोड़ से बढ़कर 205 करोड़ का आते हुए दिखा है, कामकाजी तौर पर भी बढ़िया रुझान दिखा है, 197 करोड़ से बढ़कर लगभग 300 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है, और मार्जिन्स का भी एक्सपेंशन रहा है, 25% से बढ़कर मार्जिन्स 31% के आए हैं। स्टॉक्स भी रिएक्ट कर रहा है सत्य जी, गुजरात फ्लोरो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश बायस ही रखना है, कहीं पर भी एग्जॉशन के संकेत नहीं है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो एक क्लासिक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वेल एस्टैब्लिश है। जिस तरीके से फिलहाल प्लेस्ड है, इसका जो लाइफ हाइज है 2200 के आसपास मुझे लग रहा है, वहाँ तक तो इमिडिएटली एक रन नज़र आनी चाहिए, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन होगी उस पर्टिकुलर हाई को निकालने की एंड 2350-2400 के आसपास के पोजिशनल स्विंग टारगेट्स के लिए अभी भी पोजिशन ऑन द लॉन्ग साइड डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 2020 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो गुजरात फ्लोरो पर रखें नजर, बढ़िया नतीजे, मार्जिन एक्सपेंशन सबसे बड़ी बात, और स्टॉक भी इस पर कर रहा है रिएक्ट। एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है टॉरेंट पावर। टॉरेंट पावर के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये स्टॉक एक अच्छा उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए एक शानदार सौसर बना है इसके वीकली चार्ट्स पर दीपांशु, और उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। टॉरेंट पावर कंटिन्यूअसली पूरे अपने पीयर ग्रुप का आउट परफॉर्म कर रहा है, एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज होता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें, स्टॉप लॉस जो है 539 पर, 539 रुपए पर रख करके बाय करना है। पहला टारगेट होगा 560 रुपए का, 560 का, और इवेंचुअल टारगेट 575 रुपए का होगा। तो 575 के टारगेट के लिए टॉरेंट पावर में खरीदारी कराएं। बिल्कुल, तो 560-575 के टारगेट के लिए टॉरेंट पावर, इस पर करें खरीदारी। ये कॉल आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, बढ़िया मूव टॉरेंट पावर में अभी अभी हमने आते हुए दिखा है। नजर रखिए इस काउंटर पर भी, ONGC पर एक अच्छी मूव आ रही है, नजर रखिए इस पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अनिल जी की पिक थी, कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं, वहां पर भी एक्शन है, और ITC
ये मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है तो यहां से भी बाजार को थोड़ा सहारा मिलते हुए दिखेगा। आईईएक्स एक और काउंटर जहां पर आप एक्शन देख रहे हैं, तो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर इस समय बाजार में, और ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अभी अभी एक मूव आती हुई दिखी है जहां से आप थोड़ा सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। पर एक स्पेस जो लगातार खबरों में रही है, एक्शन में रही है और अभी भी अच्छी खबरें आ रही हैं, रियल एस्टेट पैक। मुंबई में घरों की बिक्री इस दिवाली दमदार रही है ऐसा इनिशियल डेटा बता रहा है। आइए इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या हुआ इस दिवाली पर? बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है डेटा निकल कर आ रहे हैं और पॉजिटिव सेट ऑफ डेटा आपने लगातार देखा ये पिछले कुछ महीनों से रियल एस्टेट में लेकर, और इस बारी जो है मुंबई से खबरें आती हुई दिख रही है जिसमें नवंबर के पहले हफ्ते में एमएमआर रीजन में 1441 यूनिट बिकती हुई नजर आई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखिए जो दिवाली पर रेसिडेंशियल बिक्री है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में तेजी से रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं और अक्टूबर का डेटा भी है हमारे पास जहां पर मुंबई में 10 सालों की सबसे अच्छी रजिस्ट्रेशन देखी गई है 8,576 यूनिट्स पर, यानी कि 8% की सालाना ग्रोथ यहां पर आती हुई नजर आ रही है। बट डेफिनेटली जिस तरह से होम लोन की दरें रिकॉर्ड लेवल निचले स्तरों पर है उससे कहीं ना कहीं काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है। आकर्षक होम लोन रेट की वजह से जो रियल एस्टेट में खरीदारी का ट्रेंड है वो लगातार बढ़ रहा है, साथ ही कोविड की वजह से जो होम ओनरशिप है वहां पर भी एक स्पाइक आपको देखने को मिल रहा है उस इंटेंट वो सेंटिमेंटल मूव की वजह से। साथ ही बड़े घरों की जो जरूरत है और जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसकी जो ओवरऑल सेल्स है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो जितनी भी रियल एस्टेट कंपनियां हैं खासकर मुंबई बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वहां पर काफ़ी अच्छी रजिस्ट्रेशन डेटा हो रहा है और काफ़ी बड़े स्तरों पर आपको रियल एस्टेट जो है नए डेवलपमेंट्स भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही वजह है आप देखिए लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं और सेक्टर जो है फिर से फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, सेक्टर फोकस में आ रहा है, लगातार हमारे भी फोकस में रहा है रियल एस्टेट पैक और यहाँ पर आप बढ़िया मूव भी बनते हुए देख रहे हैं, तो नजर रखिए इन काउंटर्स पर भी। पर आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल मुदित जी के लिए, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं एक स्पेशल पिक देने के लिए। बताए मुदित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, थैंक यू सो मच मेरा एक स्पेशल पिक के लिए मुझे अलाउ करने के लिए। देखिए स्टॉक पे अगर हम बात करें तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है, ईयरली हाई के पास ये काउंटर ट्रेड हुआ हो रहा है। स्टॉक का नाम है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। लास्ट आधा सेशन का अगर एवरेज वॉल्यूम भी देखें तो एवरेज वॉल्यूम के साथ ही इस काउंटर ने ब्रेकआउट दिया है। स्टार्टिकली काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। दो से तीन दिन के नजर रखिए, 570 रुपए तक के अपसाइड मूव टोरेंट पावर में नजर आएंगे। यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं 534 के एसएल के साथ। तो ये है आपके लिए टोरेंट पावर, इस पर खरीदारी की राय है। अभी चार्ट कॉर्नर पर भी राकेश जी कुणाल जी को ये काउंटर पसंद आया था। शुक्रिया मुदित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्पेशल पिक देने के लिए। चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। सर मेरा मार्केट का व्यू तो बेरिश नहीं है लेकिन मेरे पास एक सेल कॉल है। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक, जिसमें मैंने तीन दिन पहले 1100 जब ब्रेक किया था तभी भी कहा था कि एवरी बाउंस पे ये बेचना चाहिए, ये नीचे 1000 तक जा सकता है। आज वो मूव चालू हो गई 1000 तक वाली, आपको अभी बेचना है 104041424545 जो भी मिलता है ये लेवल पे बेचना है। 1050 का स्टॉप लॉस होगा एक 10-11 रुपए का यहाँ से, और मुझे लगता है 1000 तक के लेवल्स 1000-1005 का टारगेट होगा जो अपने को दो से तीन दिन शायद कल में भी मिल सकता है। प्राइवेट बैंक्स में सबसे कमजोर भी रहा है रीसेंट डेज में इंडसइंड बैंक, फिर से यहां पर बिकवाली के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक पर भी दबाव आपको दिखेगा। तो 1000-5000 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करनी आज का पहला सेल कॉल वागले साहब की तरफ से आते हुए दिख रहा है क्लोजिंग शो का। देखते हैं सचित जी को खरीदना है या बेचना है बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। वेल दीपांशु, आई थिंक मार्केट थोड़ा सा कंड्यूसिव है, मुझे लग रहा है लॉन्ग शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ही रखनी चाहिए। सो शॉर्ट साइड पे फिलहाल स्टॉक है एंड काफी समय के बाद ये पर्टिकुलर काउंटर ऑन द सेल साइड आया है।
स्टॉक का नाम है मैकडॉवेल्स। अगेन एक अच्छे रनअप के बाद लगभग 830 से लेकर 1000 तक एक काफ़ी लीनियर अपमूव रही थी। पिछले सेशन में जिस तरीके से फॉर्मेशंस है, एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन है एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस है अपने RSI पे, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसमें वीकनेस आ सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, पहला टारगेट होगा अराउंड 945 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 930 का। मुझे लग रहा है काफ़ी क्लासिकल पुल बैक इस पर्टिकुलर काउंटर में बनना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 988 पे एंड फ्रेश शॉर्ट पोजिशन डिप्लॉय करने हैं मैकडॉवेल के फ्यूचर में। फ्रेश शॉट्स करें मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर पे। थोड़ा हमने देखा था अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन में आया है स्टॉक, तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छा बिकवाली का मौका इस पर बनते हुए दिख रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर है वीकनेस। इस बीच बैंक निफ्टी फिर से घूमते हुए दिखा है और 39,000 का स्तर बैंक निफ्टी ने फिर से तोड़ा है और ज्यादातर प्रेशर जो इस समय आ रहा है वो प्राइवेट बैंक्स की तरफ से आ रहा है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा भी अब वीकनेस दिखा रहा है, करीब 3.5% नीचे है, बट फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक जिसकी अभी वागले साहब कॉल कर रहे थे, ICICI बैंक, इन सभी पर प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पर भी रखिए नजर। आशु सर भी कह रहे थे कि प्राइवेट बैंक्स थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। जय, जरा बैंक निफ्टी पर अपनी राय दें, 400 पॉइंट्स का कट और वापस 39,000 का लेवल तोड़ते हुए। श्योर, यू नो दीपांशु, एक चीज क्लियरली समझ में आ रही है बैंक निफ्टी में कि ये 39,300 की जो रेंज है दैट इज एक्टिंग एज अ क्लियर रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। ऑन द फ्लिप साइड ये भी देखने मिला है दीप के कहीं ना कहीं नीचे की तरफ 38,700 ये जो रेंज है ये एक अच्छी सपोर्ट रेंज प्रूफ कर आ रही है बैंक निफ्टी की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, दैट इज 39,200-300 ऑन द अपसाइड टू 38,800। ये 500 पॉइंट की रेंज दीप कहाँ पे टूटे वो देखने जैसा रहेगा। सी ओवरऑल जो हिसाब से मार्केट में वीकनेस है, हाई लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो यही है कि मार्केट में हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। बट देन 38,800 का एक सपोर्ट भी है और मार्केट उसके काफी करीब है बैंक निफ्टी। सो आई थिंक वन शुड वेट एंड वॉच फॉर दिस रेंज टू नो क्लियरली प्रोवाइड अ ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। जो हिसाब से वीकनेस रही है, जो हिसाब से हाई लेवल्स पर एक यू नो शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहे हैं, वो हिसाब से देखने मिल रहा है दीप के यू नो प्रोबेबिलिटी है कि 38,800 के लेवल टूट सकते हैं नीचे की तरफ। अगर वो टूटता है तो ये 500 पॉइंट की रेंज ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, एंड देयर आफ्टर वी कैन सी यू नो बैंक निफ्टी स्लाइडिंग टुवर्ड्स 38,300-38,000 ये लेवल्स भी देखने मिल सकता है। सो तेजी अगर बैंक निफ्टी में करनी हो दीपांशु तो 39,200 के ऊपर ही करनी है, अदरवाइज वेट फॉर अ ब्रेकडाउन। 39,200 ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर आपको रखनी है नजर। इस बीच जो चिप्स की शॉर्टेज चल रही है उस पर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। कैबिनेट नोट तैयार करा है एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने जो कह रहा है कि चिप्स के प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स जो देने का प्लान है उस पर बात चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है, ऑटोमेकर्स और इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स इनको सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। जो माइक्रोचिप्स सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज चल रही है उसके उत्पादन के लिए, भारत में उत्पादन के लिए इंसेंटिव देने की योजना तैयार की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए इस समय आती हुई दिख रही है। नजर रखेंगे इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, किस तरह के सजेशन है, किस तरह के सुझाव है और जल्द से जल्द इसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसी की राहत का इंतजार है क्योंकि ऑटो कंपनीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज काफी सफर कर रही हैं इस चिप की शॉर्टेज की वजह से। पर समय है 2:45, समय है मिलने का भसीन साहब के साथ उनके सीन शेयर्स के लिए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है भसीन साहब, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बाजार, अच्छी रिकवरी जरूर आई है, पर बताएं एक तो आपके कॉल्स के अपडेट और फिर फ्रेश कॉल सर। हाँ गुड आफ्टरनून, देखिए तो मैंने आपको कहीं दो दिन से कह रहा था इंफोसिस, टेक महिंद्रा, आज सुबह मैंने आपको HDFC बैंक का, मैं अभी भी सोचता हूँ मनी विल फ्लो आउट ऑफ इंडसइंड एंड गेट बैक इन टू बैंक। आज आप देखिए डेवलपमेंट कितनी पॉजिटिव है, IDFC हैज गिवन अ गो अहेड फॉर गेटिंग आउट ऑफ IDFC बैंक। सो दीज आर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स एंड आई थिंक देर वॉज अ मच नीडेड प्रॉफिट बुकिंग इन द PSU बैंक विच हैज टेकन प्लेस, बट प्राइवेट बैंक्स इज वेर यू शुड बी पुटिंग योर मनी। साथ में मैंने आपको शॉर्ट दे रखे थे हिंडालको, JSW स्टील, अब सब वो कवर कीजिए बिकॉज कल टाटा स्टील के नंबर्स हैं और स्टेलर नंबर्स आएंगे। नाउ इज द टाइम ट्रेडिंग पिक्स टू बी बाय लॉन्ग ऑन स्टील स्टॉक्स। तो आप कहें तो मैं दोनों बाइस दूं, जो आप कहें तो थोड़ा से कॉन्ट्रेरियन है, बट दीज विल मेक लॉट ऑफ मनी बाय टुमारो। जी सर, भतीन साहब बताएं सर।
तो पहला पिक होएगा आईडीएफसी फर्स्ट। देखिए बैंक को अब आईडीएफसी का हिस्सा उसमें से निकल सकता है, 5 साल की होल्डिंग खत्म हो गई और वो ऑलरेडी डाइवेस्टमेंट में है ऑफ देयर म्यूचुअल फंड आर्म। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिकम्स अ वेरी वेरी बिग कैंडिडेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। और आप देख चुके हैं क्या रन आया आरबीएल और बंधन, तो मेरे को वैसे तो 60-65 का टारगेट दिखता है, लेकिन अभी 51-52 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 50.5, टारगेट ऑफ 55। दूसरा पिक होएगा देखिए टाटा स्टील के, दीपांशु कल नंबर आएंगे, मेरे हिसाब से 17.5 करोड़ का एबिटा आएगा और मार्केट स्प्लिट है ऑन द वर्डिक्ट, बट यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील विल बी डेट फ्री इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स दे आर सेइंग। 398 पे लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 390। जिंदल स्टील इज हेडेड बैक टू 425। कीप फॉर द ट्रेडर 420 एंड अबव ही शुड बुक प्रॉफिट। दिस इज द टाइम टू बाय बोथ दीज मेटल एंड मेटल स्टॉक्स एंड दिस आईडीएफसी फर्स्ट, दे कैन बी बिग आउट परफॉर्मर्स। चलिए तो कुछ बढ़िया कॉन्ट्रा कॉल्स आ रही हैं भसीन साहब की तरफ से, दोनों खरीदारी की राय हैं, दोनों स्टॉक्स थोड़े सुस्त दिखेंगे बट जैसा भसीन साहब कह रहे हैं यही लेवल्स हैं खरीदारी करने के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 55 के टारगेट के लिए और जीएसपीएल 420 और 425 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। शुक्रिया भसीन साहब अपनी कॉल्स देने के लिए, कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात कुछ और बढ़िया कॉल्स के लिए। पर क्योंकि टाटा स्टील की बात निकली है और भसीन साहब अभी कह भी रहे थे कि दमदार नतीजे आ सकते हैं, तो आइए एक बार आशीष से जान ही लेते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह के रहेंगे टाटा स्टील के नतीजे कल। आशीष बताएं। दीपांशु बहुत शानदार नतीजे देखने को मिलेंगे हर पैमाने पर, आप देखिए आय है, मुनाफा है, मार्जिन्स पर काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि भारतीय ऑपरेशंस यानी स्टैंडअलोन कारोबार को देखें या फिर यूरोपियन कारोबार को, दोनों में आप देखिए प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। टॉप लाइन में बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि करीब 60% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। एबिटा जो है काफी शानदार रहेगा, करीब करीब पिछले साल के मुकाबले 232% की ग्रोथ यहां पर नजर आएगी। 20,330 करोड़ के आसपास का जो एबिटा है वो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। मार्जिन देखिए 16% से सीधे बढ़कर 34% के आसपास आ जाएंगे और मुनाफा देखिए बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, 1,503 करोड़ से बढ़कर 12,722 करोड़ के आसपास जो है आंकड़ा बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। स्टैंडअलोन एबिटा प्रति टन में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और कोरस को भी मिलाकर अगर आप देखें तो कोरस का जो एबिटा प्रति टन था पिछले साल $27 के आसपास था, इस बार बढ़कर 250 होगा, यानी हर पैमाने पर देखें नतीजे बहुत ही शानदार आएंगे। बिल्कुल, तो दमदार नतीजे आते हुए दिखेंगे ये तो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं मेटल कंपनी से, और अभी तक जो नतीजे हैं काफी अच्छे रहे हैं। बट ऑफकोर्स सेक्टर की लीडर टाटा स्टील, इस पर रखनी है नजर, कल आने वाले हैं इसके भी नतीजे 1300 के आसपास, थोड़ा सुस्त आज है, देखते हैं नतीजे और उसके बाद कैसा रिएक्शन इस पर आएगा। पर आइए तब तक एक्सपायरी का ऑप्शन, जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुमित जी। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, एक स्टॉक है और एक इंडेक्स का ऑप्शन है, तो पहले स्टॉक की बात करते हैं जिसमें मोमेंटम बन रहा है। 73 का अभी भाव है, 73.10 रुपीज टू बी वेरी प्रिसाइज। स्टॉक का नाम है संगी इंडस्ट्रीज। संगी इंडस्ट्रीज के अंदर मोमेंटम बन रहा है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। मेरे को लग रहा है 78 रुपए से लेके 80 रुपए तक का मूव संगी इंडस्ट्रीज के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर या इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें संगी इंडस्ट्रीज में 78 रुपए से लेके 80 रुपए तक के टारगेट के लिए। ये तो था स्टॉक, अब इंडेक्स का कॉल दे दूं दीपांशु जी। बताएं सर। देखिए इंडेक्स में जो कॉल दिया था उससे टारगेट हिट हुए हैं, अब जो है वापस से कॉल ही लेना है। और जिस तरह से निफ्टी में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, मेरे को लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 18,000 के पास निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, 17,950 का निफ्टी का कॉल अभी CMP पे खरीदारी करना है जो कि 99 रुपए 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी लिफाफा लेवल से बैठेंगे अभी, 17,950 का कॉल खरीदारी करें 101, स्टॉप लॉस 51, टारगेट 151 और 171, तो 17,950 का कॉल लेना है। 50 का कॉल खरीदें आज सुबह भी सुमित जी, जब बाजार थोड़ा कमजोर दिख रहा था कॉन्ट्रा कॉल ही आई थी ऑप्शंस के जरिए खरीदारी की 17,900 की कॉल की, वहां पर तो हमने बढ़िया एक्शन देखा। अब 17,950 की कॉल, कल ही की एक्सपायरी का ऑप्शन है सुमित जी की तरफ से, इस पर आप करके चले खरीदारी और यहां पर 151-171 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपायरी का ऑप्शन शेयर करने के लिए। आइए किरण जी के पास चलते हैं, उनके लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप शॉर्ट कॉल है और एक बहुत ही शानदार हेड एंड शोल्डर पैटर्न आर्ली चार्ट पे हुआ है जो कि बेरिश संकेत देता है। बेचना है कैन बैंक,
पहले ही ये बहुत अच्छी मूव 158 से 250 के आसपास की रैली हमने देखी है, तो उसकी करेक्टिव रैली आना लाजमी है और वही होते नजर आ रहा है। और जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी नीचे आ रहा है और उसके साथ साथ कैन बैंक आ रहा है, मेरा मानना है ये करेक्शन थोड़ा सा और गहराता नजर आ जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 240.50 का रहेगा या 241 का रहेगा फ्यूचर्स के लिए, और पहला टारगेट 230, दूसरा टारगेट 225, 225 का टारगेट पहले एक घंटे में कल देखने को मिल जाना चाहिए। तो बिकवाली की राय कैनरा बैंक, जैसा किरण जी कह रहे हैं वैसे तो ठीक है, बट क्योंकि एक करेक्शन आ सकता है और थोड़ा वीकनेस भी है, तो उस करेक्शन को प्ले करने के लिए बिकवाली की राय है कैनरा बैंक पर 230 और 225 के टारगेट्स के लिए यहां पर बिकवाली करके चलें। चलिए तो पीएसयू बैंक्स भी अब थोड़ा कमजोर हो रहे हैं और इसलिए हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर भी प्रेशर है करीब 400 पॉइंट्स का। हालांकि निफ्टी अपने लेवल्स होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट ऊंचाई से निफ्टी भी आज काफी फिसलते हुए दिखा है। इंडेक्स पर एक और दमदार स्ट्रैटेजी ली जाए, स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरारका साहब का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है आज? यहाँ पे 18,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 18,000 की कॉल ऑप्शन जो 73-74 में मिलती है। इसका स्टॉप लॉस होगा 45 का, आज का लो 49 है तो मैं 45 का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, और ऊपर टारगेट 140 के हो सकते हैं, यानी ये कॉल ऑप्शन डबल हो सकती है। रीजन ये है कि लास्ट एक घंटे में काफी शॉर्ट कवरिंग आई है 18,000 की कॉल्स में। सुबह फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी राइटिंग थी, करीब करीब 40 लाख शेयर थे 1 बजे तक, बट 1 बजे से 2 बजे के बीच में वो पूरे के पूरे 40 लाख शेयर में अनवाइंडिंग आ गई है, और कॉल्स जो थी वो करीब करीब 20 लाख बची है, बट काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कल जो एक्सपायरी है इसमें शॉर्ट कवरिंग का दिन होना चाहिए, और एक्सपायरी 18,100 की तरफ हो सकती है, इसलिए हम 18,000 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। इसका टारगेट 140 के आसपास रखा है, आज के दिन में हो सकता है 110-115 तक क्लोजिंग में जा सकता है। ओके, तो आज ही आपको अच्छी मूव आ सकती है, अच्छी रिकवरी के बाद बाजार यहां से और थोड़ा मोमेंटम पकड़ सकते हैं, जैसा कि नितिन जी कह रहे हैं 18,000 की कॉल खरीदनी है। बैंक निफ्टी पर कोई राय नितिन जी, 39,000 के करीब उतार चढ़ाव दिखा रहा है सर? देखिए बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां पे साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है, 39,200 और 39,000 पे कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव है। निफ्टी इसलिए मूव कर रही है क्योंकि वहां पे आईटी का सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी बात रिलायंस इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। बट ये है कि अगर निफ्टी ऊपर मूव करती है तो बैंक निफ्टी में भी बाउंस आना चाहिए, वेयर एज अगर एक ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि निफ्टी ज्यादा बेटर होगा क्योंकि अभी बैंक निफ्टी थोड़ी वीक चल रही है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी में ही ट्रेड करें ज्यादा बेटर है। स्टॉप लॉस काफी छोटा बन रहा है, 45 का स्टॉप लॉस रखें, 18,000 की कॉल ऑप्शन। ओके, तो ये है आपके लिए राय निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, ज्यादा कन्विक्शन निफ्टी पर है इस समय और यहां से थोड़ी रिकवरी भी आ सकती है। 18,000 का कॉल खरीदना है नितिन जी को और 17,950 की कॉल पर खरीदारी की राय अभी अभी सुमित जी की भी आती दिखी थी। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडेक्स पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। एक स्टॉक जहां पर मोमेंटम आ रहा है टीवीएस मोटर्स, वागले साहब जरा इस पर राय दें, थोड़ी देर पहले भी बजिंग था, अब एक फ्रेश मूव है 3.5% उछलकर, डेज हाई पर है टीवीएस मोटर्स सर, बताएं यहां पर कोई बीटीएससी ट्रेड दिखता है? पोजिशनली मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिखाई देती है, 820 का टारगेट है अगले कुछ एक से दो हफ्तों के व्यू से, और आपका स्टॉप लॉस लेकिन 720 का होना चाहिए, तो ये 30 रुपए का स्टॉप लॉस आप बीटीएसटी के लिए ले नहीं सकते, तो मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन मेरा व्यू इसमें बुलिश है। ओके, तो व्यू बुलिश है टीवीएस मोटर्स पर, थोड़ा आपको लेवल्स ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी मूव आ गई है। हालांकि खबर थी इनके ईवी कारोबार में नए पीई निवेशक आ सकते हैं, उसके बाद कंपनी ने भी कहा कि इस समय कोई चर्चा नहीं चल रही, खबर का खंडन किया, थोड़ा गिरा भी स्टॉक बट फिर से मोमेंटम में आ रहा है टीवीएस मोटर्स। एक बार जरा फर्स्ट सोर्स को फिर से देख लीजिए क्योंकि 10% के निचले सर्किट के बेहद करीब आते हुए दिखा था, टच नहीं किया, वायदा कारोबार का हिस्सा है अब फर्स्ट सोर्स, 9% नीचे आपको दिख रहा है, जो इन्होंने गाइडेंस कट करी है उसका इंपैक्ट क्लियरली स्टॉक पर प्ले आउट हो रहा है इस समय, और फर्स्ट सोर्स आप देख रहे हैं। आईटी कंपनीज हमने देखा नहीं अभी तक किसी आईटी कंपनी की गाइडेंस कट, ज्यादातर कंपनीज ने गाइडेंस मेंटेन करी है, आउटलुक काफी पॉजिटिव दिया है, पर इनकी गाइडेंस कट का जो इंपैक्ट है वो डेफिनेटली प्ले आउट हो रहा है। एक और रिजल्ट इंपैक्ट आज का BHEL, ये भी 8% नीचे इस समय आपको दिखेगा, लगातार 7 तिमाहियों से कामकाजी और ओवरऑल घाटा आ रहा है इस कंपनी की तरफ से। और स्ट्राइड्स फार्मा, एक बार जरा बंसल जी से स्ट्राइड्स फार्मा की चार्ट पर भी राय ली जाए, बंसल जी
कमजोर नतीजे आए थे, सिर्फ 1 करोड़ का कामकाजी मुनाफा था इनका 166 करोड़ के सामने, और बड़ा ब्रेकडाउन नतीजे आने के बाद ये 500 के लेवल पर सपोर्ट दिखता है बंसल जी, या फिर और गिरावट है स्ट्राइड्स फार्मा में? देखिए दीपांशु, यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है और आज दोबारा से एक फ्रेश ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर लगता है कि मोर डाउनसाइड देखने को मिलेगी, और एटलीस्ट यहाँ पर 478-475 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल स्ट्रक्चर क्लियरली डिस्टॉर्टेड है, और दीपांशु एक गियर इसलिए रहा है कि काफी पीएमएस वालों ने स्टॉक को ले रखा है और अंडर परफॉर्मेंस के चलते वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, टेक्निकली डिस्टॉर्टेड है, तो किसी तरह की बॉटम फिशिंग या खरीदारी की राय नहीं है यहाँ पर। तो ये है आपके लिए स्ट्राइड्स, कोई बॉटम फिशिंग नहीं करें इस पर, काफी बड़ी कमजोरी आ रही है इसमें। सचिन जी, फर्स्ट सोर्स पर आपकी कोई राय सर, 180 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहां से और कमजोरी देखते हैं इसमें? डेफिनेटली दीपांशु, मुझे लग रहा है जिस इंटेंसिटी से इसने एक ब्रेकडाउन दिखाया है, ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज लगभग 162 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे नहीं लगता उसके पहले कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक या पुल बैक होना चाहिए काउंटर में। मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है डेली चार्ट में, इसके भी टारगेट के पैटर्न, प्राइस पैटर्न के टारगेट उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास कोइंसाइड हो रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्ट पोजिशन ही कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, एंड रिव्यू जोन मुझे लग रहा है अराउंड 160 के आसपास होना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, नजर रखिए कमजोरी आ रही है इस पर बात है नतीजों की, और मेटल्स से दिग्गज टाटा स्टील के तो नतीजे आएंगे ही, साथ ही एनएमडीसी के भी आने वाले हैं कल नतीजे। आइए एक बार आशीष से जाने कि इस बार एनएमडीसी की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। आशीष बताएं। दीपांशु, दमदार परफॉर्मेंस रहेगी टाटा स्टील की तरह, यहाँ पर भी आप देखें तो हर तरफ आपको फायरवर्क्स नजर आएंगे पिछले साल के मुकाबले। वैसे तो एक बात बता दूं कि मॉनसून जो है सभी माइनिंग कंपनीज के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन इसके बाद भी आप देखें इनकी जो आय है यहाँ पर 202% का इजाफा देखने को मिलेगा, 6,738 करोड़ का आंकड़ा जो है हम अनुमान करके चल रहे हैं, और एबिटा में भी आप देखें तो शानदार बढ़त देखने को मिलेगी। पिछले साल कंपनी ने 1,030 करोड़ का एबिटा पेश किया था, अब ये बढ़कर जो है 3,309 करोड़ के आसपास रहेगा। मार्जिन देखिए 46% से 49% के आसपास रहेंगे, और जो मुनाफा है यहाँ पर भी आपको शानदार करीब करीब 230% की ग्रोथ नजर आएगी। एबिटा प्रति टन के लिहाज से भी आप देखें तो पिछले साल करीब 1,560 रुपये का एबिटा प्रति टन था, अब ये सीधा बढ़कर 3,662 रुपये का हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी आप देखिए कि काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिली। तो नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनका जो स्टील प्लांट इसका डीमर्जर होने वाला है, काफ़ी समय से बात चल रही है, इसके ऊपर अगर कुछ टाइमलाइन निकल कर आती है तो इस पर नजर रहेगी। नंबर्स और नतीजे हर लिहाज से आप देखिए बहुत शानदार आएंगे। बिल्कुल, नंबर्स और नतीजे हर लिहाज से बहुत शानदार आएंगे। थोड़ा स्टॉक ऑफकोर्स सुस्ती दिखा रहा है, एनएमडीसी इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, और वागे साहब लंबे समय से 150 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है एनएमडीसी, कल नतीजे भी आएंगे, क्या राय सर इसके चार्ट पर? दीपांशु, बेचने की तो मेरी सलाह है नहीं, बट यस थोड़ा सा करेक्टिव मूव है जो थोड़ा सा और नीचे एक्सटेंड हो सकता है। 145 का करंट भाव है, मेरा मानना है 140 ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये 140 ऑन द डाउन साइड एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और ऑन द अप साइड 148-150 भी ब्रेक नहीं होगा तो 140-150 ये रेंज में मुझे साइडवेज मूवमेंट दिखती है। तो कुछ एक्शन है नहीं एनएमडीसी में, देखते हैं हम नतीजों के बाद क्या नई जान इस काउंटर में आ सकती है कि नहीं, बट एनएमडीसी फिलहाल थोड़ी सुस्ती आपको दिखा रहा है। आइए कल का काम करने के लिए तैयार हैं आज ही राकेश जी, कुणाल जी, बिगुल, उनके लिए स्टॉक ऑफ द डे, पिक ऑफ द डे, माफ। बताएं सर। दीपांशु, पिक ऑफ द डे है भारती एयरटेल, और खास बात क्या है कि भारती एयरटेल जिस तरीके से जिन लेवल्स पे चल रहा है, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग बेसिस पर हाईएस्ट एवर क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। इन लेवल्स पर कभी भी क्लोज नहीं हुआ है, और राइट इशू के बाद इन दामों पर नहीं आया है, हाई जरूर इंट्राडे में एक बार गए थे बट उन लेवल्स पर सस्टेन नहीं हुआ, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है। भारती एयरटेल को मिस नहीं करना चाहिए, टेक्निकली एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है खरीदारी का। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, डेली चार्ट्स अगर भारतीय एयरटेल के देखे जाएं तो इसमें एक बहुत ही शानदार सॉसर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेकआउट आ जाता हुआ दिख रहा है, और जैसे राकेश जी ने कहा लाइफ टाइम हाई क्लोज है,
तो इन स्तरों पर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, बाय करके चलें, यहां पर बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनी हुई हैं। साथ में अगर बाजार में कमजोरी आती है तो भी उसका असर कोई भारतीय पर नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। तो भारतीय एयरटेल को बाय करके चलना है। यहां स्टॉप लॉस जो है वो 725 रुपए पर 725 पर रखें। पहला टारगेट होगा 755 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 770 रुपए का भारतीय एयरटेल में खरीदारी कराए। 755 770 के टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल नई टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है ये काउंटर, और जबरदस्त तेजी में है, और ऑफकोर्स इसके सदाबहार बुल भी रहे हैं। आशु सर नई जोन में अब इसको जाते हुए दिख रहे हैं, किस जो भारतीय एयरटेल की अब मूव आ रही है, कैसे समझना चाहिए ये जो फ्रेश एक्शन इसमें देख रहे हैं 700 के ऊपर जो बिल्ड हो रहा है पिछले कुछ दिनों से? दीपांशु, इसका मेरा शॉर्टेस्ट रिप्लाई होगा, जो बिल्कुल राकेश जी ने एक्सप्लेन किया है। राइट्स इशू के बाद ऑल टाइम हाई, जिस तरह की मार्केट वॉलिटिलिटी चल रही है, सडनली मतलब सेफ हेवन निकल के आ रहा है और ऑल टाइम हाई बंद हो रहा है। आई थिंक नोबडी कुड हैव एक्सप्लेन बेटर देन राकेश जी। बिल्कुल ऑल द पैरामीटर्स आर बीइंग मेट कि ये अब और ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन स्टॉक का भाव ऐसा हो गया दीपांशु, मुझे लगता है स्ट्रांगली डिलीवरी लेके रखनी चाहिए ये, मतलब आने वाले टाइम में 1000 रुपए भी हो सकता है, लेकिन वो ये जो शांति से डिलीवरी रखेगा उसको देगा, नहीं तो जिटरी ट्रेडर के लिए तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जनरली ऑल टाइम हाई पे मार्केट, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कभी भी आप लेते हो, जो थोड़ी सी भी गिरावट आती है ना तो दीपांशु इमीडिएटली वो साइकोलॉजिकली हिट करता है, क्या मैंने हाईएस्ट पे तो नहीं ले लिया, तो सौदा संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट एट टाइम्स एट ऑल टाइम हाईज टू कन्वर्ट इट इनटू डिलीवरी व्हिच कैन हेल्प यू टू कीप इट फॉर लॉन्ग। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप रखें, कोई परेशानी नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहेगा। ट्रेड के लिए भी जरूर रखें, राकेश जी कुणाल जी का कन्विक्शन है इस पर। शो की शुरुआत में सचिन जी और किरण जी की तरफ से भी भारतीय एयरटेल पर बाय कॉल्स आते हुए दिखी थी। बढ़िया ब्रेकआउट इस काउंटर पर आ रहा है और यहां से और फ्रेश मूव आपको आते हुए दिखेगा। इस बीच कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं आज, अनुराग ठाकुर साहब उसके बारे में बात भी कर रहे हैं, हम जाएंगे भी उनके पास, इसके लिए एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास, उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे आपको ज्ञात है आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं। और तो ये अनुराग ठाकुर साहब कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स लिए हैं कैबिनेट में, जाएंगे उनके पास जब उसके बारे में बात करेंगे, बट काफी अहम बैठक रही है आज कैबिनेट की। पर तब तक एक कैश का ऑप्शन ले लेते हैं जय ठक्कर के साथ। बताएं जय, स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन दे रहा हूँ दीप। ग्रासिम का 1900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 45 पर मिल रहा है अभी ये, तो इसको खरीद कर चलना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी में हम जनरली जो देते हैं उसके हिसाब से ये 36 का रखना है स्टॉप लॉस, 9 पॉइंट का करीब करीब स्टॉप लॉस है। तो दीप अगर आप देखें तो करीब 3800 टू 4200 के बीच का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पर ऊपर में जो टारगेट इसके बनकर आ रहे दीप, लगभग इसके टारगेट्स बनकर आ रहे हैं 65 से लेकर 75 के, 65 और 75 ये दो टारगेट्स के लिए दीपांशु खरीदना है। तो अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज्यादा बन रहा है फर्स्ट टारगेट में, और बाद में 1:3 के आसपास का बन रहा है लगभग सेकंड टारगेट में। सो बहुत ही बढ़िया एक लॉन्ग बिल्डअप ये स्टॉक में देखने मिला है। कंटिन्यूसली टेक्निकली अगर हम देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रही है ग्रासिम में, और ये भी एक चीज देखने मिल रही है कि जो हिसाब से इसका 1800-1850 के ऊपर टिक रहा है ये स्टॉक, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के ग्रासिम में लगभग 1950-2000 तक के लेवल से हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दीप अगर हम देखें तो निफ्टी से बेटर मुझे अभी ये लगा, इसलिए ग्रासिम की 1900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया। तो 1900 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है ग्रासिम की, इस ये भी एक काउंटर है जो मोमेंटम में आपको आते हुए दिख सकता है, यहां से तेजी पकड़ने के लिए है तैयार। ढेरों स्टॉक्स है, आज का एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहा है आपके लिए, और हमने देखा है कि इंडेक्स लेवल पर थोड़ी सुस्ती है 18,000 के पार, फिर से हल्की सी सुस्ती इंडेक्स पर आ रही है, बट स्टॉक्स में भरपूर तेजी है। पर जो बैन में स्टॉक है वायदा कारोबार के, कई दिनों से हम देख रहे हैं तीन ही स्टॉक्स बैन में बने हुए, क्या इसमें अब कोई बदलाव आ सकता है? आइए बैन से बेनिफिट के लिए चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। हर खुशी के लिए काफी है।
बताएं आशीष, फाइनली कुछ चेंजेस होंगे या नहीं? काफी सारे चेंजेस होंगे. पहले तो जो तीन स्टॉक है ये तो बैन में, इनमें से तो कोई बाहर नहीं आ रहा फिलहाल. लेकिन चार स्टॉक है जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल आप देखें तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर गए हैं. तो ये लाइन में लगे हुए एंट्री करने के लिए, सबसे पहला नाम आता है BHEL का, यहाँ पर 113% हो गया. तो निश्चित हो गया कि BHEL जो है बैन में आएगा. इसके अलावा सेल है, यहाँ पर भी देखिए 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया गया, 103% यहाँ पर है. बैंक ऑफ बड़ौदा करीब करीब 101% है, तो इसका भी कंफर्म हो गया है. और बॉर्डर लाइन पर है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हालांकि ये ना परमानेंट मेंबर काइंड ऑफ स्टॉक है, तो ये 95.9% है अभी फिलहाल प्रिसाइजली. तो ये इतने पर भी बैन में आ जाता है तो यहाँ पर नजर रहेगी. तो चार स्टॉक जो है इनकी पोजीशन 95% के ऊपर ये बैन में आ सकते हैं. ऐसे सारे ओल्ड फेवरेट्स हैं बैन लिस्ट की, अगर आप बात करें सेल, BHEL, आईबी हाउसिंग, BOB भी आता ही रहता है बैन में, तो ये आते हैं और टिकते भी है काफी लंबे. तो तो ये वापस आने के लिए तैयार है, तैयार है पूरी तरीके से तैयार है बिल्कुल. तो बैन में वापस आने के लिए तैयार है और लंबे समय बाद सेल आई थिंक बैन में आ रहा है. सेल बैन में, रिसेंटली बैन में नहीं था. आशीष सर क्या करना है सेल को, सेल पर आपकी सेल कॉल, आई थिंक आपके प्राइस से भी 2-3 रुपए और गिर भी चुका है स्टॉक, बैन में भी आ सकता है, क्या राय देंगे? दीपांशु आई थिंक दिस इज कंफर्मिंग माय व्यू. 2 रुपए घटा है, 120 रुपए का फ्यूचर था, अभी 118-18.25 है. और ये बैन में आना दीपांशु, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई है, सेल नीचे आया है, बैन में आया है, क्लियर कट सिग्नल है कि ये ट्रैप हो रहे हैं इसके अंदर लोग. तो मैंने एज ए प्रिकॉशनरी, क्योंकि सेल बहुत लोगों का फेवरेट है, मतलब सेल, भेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो लो प्राइस स्टॉक्स हैं इसमें पब्लिक बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती है. तो इसलिए मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली वॉच करता हूं और अपना व्यूज जरूर शेयर करता हूं कि अगर किसी का कुछ, मतलब अगर कुछ क्रेडिबल इनपुट शेयर कर सके. तो सेल में मुझे लगता है कि मेरा व्यू वही है कि मुझे नेगेटिव लगता है और इससे निकल जाना चाहिए, या शॉर्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल. ओके, तो शॉर्ट भी कर सकते हैं आप सेल को, ये क्लियर राय आपके लिए आ रही है आशु सर की तरफ से. वागे साहब इंडिया बुल्स पर भी आपकी राय सर, शायद बैन में आ जाए, बॉर्डर लाइन पर है जैसा आशीष बता रहा है, तो अगर पोजीशन ली है इंडिया बुल्स में तो क्या करना है सर? दीपांशु वैसे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 247 का था और ऊपर में 259 260 तक गया था, हमने 254 255 में बात की थी. लेकिन आई डोंट थिंक कैरी करना चाहिए क्योंकि ये फिर साइडवेज मूव हो जाएगा, तो कैरी करने का मतलब नहीं. ओके, तो साइडवेज हो सकता है, अगर आप चाहें तो फिर एग्जिट कर लीजिए इंडिया बुल्स की भी कॉल. वागले साहब जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं सेल पर, जैसा आशु जी कह रहे हैं और दबाव यहां से आ सकता है, तो बाजार थोड़ा यहां इन काउंटर्स के लिए काफी कमजोर होते हुए दिखा है और बैंक्स पर भी हल्का सा हम प्रेशर देख रहे हैं. हालांकि 18,000 होल्ड करने में सक्सेसफुल है अभी भी निफ्टी और 39,000 होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो लेवल्स होल्ड कर रहा है बाजार, बट विद इन दैट काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बनती हुई दिख रही है, तो उसी का इंपैक्ट इन कुछ काउंटर्स में प्ले आउट हो रहा है. आइए एक मूविंग स्टॉक जो सचिन जी ने किया है आइडेंटिफाई, बिगुल उनके लिए BTSTT. बताएं सचिन जी. दीपांशु यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज पे मुझे लग रहा है और वीकनेस एक्सटेंड होनी चाहिए, लगभग 2% की डिक्लाइन ऑलरेडी है एंड 11% का वाई एडिशन है एंड प्लस स्टॉक काफ़ी दिनों के बाद अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक काफ़ी बड़ी अप डाउन मूव अनलॉक होनी चाहिए. लगभग 2270 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन आपको मेनटेन करनी है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2430 पे एंड एक ही टारगेट में दूंगा 2270 का. बिकवाली करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में. ओके, तो एक और सेल कॉल आपके लिए आते हुए दिख रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पर भी आपको थोड़ी वीकनेस दिखेगी, तो कुछ हाई बीटा काउंटर्स या कुछ ऐसी स्पेसेस जहां पर आपको बढ़िया रैली दिखी है अब वो सबसे पहले कमजोर भी हो रहे हैं इस समय, और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर गिरावट के संकेत आपको आते हुए दिखेंगे. तो देखते हैं किस तरह की मूव अब गोदरेज प्रॉपर्टीज की बनती है. पर आइए नतीजे, एक और ट्रेडर फेवरेट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसके आएंगे कल नतीजे. कल के दिन एक्शन में भी दिखा था जो यूएस में इंफ्रा बिल पैक पास हुआ था उसका थोड़ा इनडायरेक्ट बेनिफिट इस कंपनी को भी होता है, पर नतीजों के लिहाज से पिछली तिमाही कैसी रही बालकृष्ण की, इसके बारे में जानते हैं कुशल के साथ. कुशल बताइए.
देखिए नंबर्स के लिहाज से आय और मुनाफे पर तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं जो कॉस्ट इन्फ्लेशन होता हुआ दिखा है उसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर आ सकता है। सबसे पहले आय पर नजर डालिए, कंपनी की 25% वॉल्यूम ग्रोथ हुई है जिसे आय में 27% की ग्रोथ के साथ 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कामकाजी मुनाफा भी देखें आप तो करीब 11% की ग्रोथ यहाँ पर भी रहेगी, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से कामकाजी मुनाफे का जो ग्रोथ है वो कम होता हुआ दिखा है और इसकी वजह से कंपनी की मार्जिन 34% जो पहले थी अब घटकर 30% रहने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुनाफा 17% की ग्रोथ के साथ 400 करोड़ रुपए की आय माफ कीजिएगा 400 करोड़ रुपए का मुनाफा जो है कंपनी अपनी बुक्स में शो कर सकती है। पर मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो यहां पर यूएस और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स में जिस तरह की रिकवरी ट्रेंड आते हुए दिख रहे हैं उससे वॉल्यूम ग्रोथ 25% तक की होती हुई दिख सकती है जिससे कंपनी की आय और रियलाइजेशन में आपको बेहतरी आती हुई दिखेगी। पर डेफिनेटली मार्जिन ट्रेंड क्या रहेगा और साथ ही जो प्राइसिंग आगे कंपनी आगे चलकर क्या करती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वहां पर आपको बड़ा फोकस बनाकर चलना होगा। तो यह है आपके लिए राय, यह है आपके लिए अनुमान बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। किरण जी चार्ट पर कोई राय सर? देखिए बालकृष्ण में मेरा मानना है कि काफी अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, 24.20 से लेके 25.50 ये रेंज है। इससे अगर निकल जाता है तो मेरा मानना है कि 26.50 2700 तक जाने की उम्मीद इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। पिछले 3-4 दिन से लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाता जा रहा है। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर किसी के लॉन्ग क्वेश्चन हो तो 24.90 के सजेस्ट करूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए 2490 के स्टॉप लॉस के साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर आए। बात करते करते स्टॉक में थोड़ा एक्शन भी आते हुए दिखा है, अब देखते हैं नतीजों के बाद क्या ये अपने एक्शन को सस्टेन कर पाता है कि नहीं, बट मूव इसमें आ रही है। मूव काफी सारे और काउंटर्स में भी आपको आती हुई दिख रही है। चुनिंदा आईटी स्टॉक्स है, दोनों तरफ के एक्शन एक्चुअली आज आपको आईटी में दिख रहे हैं। मिड कैप आईटी में अच्छी खरीदारी और बिकवाली दोनों होती हुई दिख रही है। फर्स्ट सोर्स 10% नीचे, पर उसके सामने केपी आईटी कुणाल जी 400 का लेवल छूते हुए 6.5% ऊपर। क्या चल रहा है सर केपी आईटी के चार्ट में? देखिए बहुत ही जबरदस्त चार्ट है, कल भी हमारी निगाह पड़ी थी इस पे दीपांशु और चार्ट पर एक ब्रेकआउट कल ही आ चुका था, आज हम इसमें एक फॉलो थ्रू बाइंग देखते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऊपर के टारगेट्स देना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक बड़ी आसानी से 500 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो जिन्होंने लिया हुआ है बिल्कुल होल्ड करें, गिरावट में नई खरीदारी करें और यहाँ स्टॉप लॉस अगर आपने लिया हुआ है तो 375 के आसपास रखकर होल्ड करने की राय। ओके, तो 375 के आसपास स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय है केपीआईटी टेक। इंटेलेक्ट डिजाइन एक और काउंटर है जहां पर आप अच्छा मूव आते हुए देख रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स अभी पॉजिटिव टेरिटरी में आपको आते हुए दिखाए, पर उसके सामने फर्स्ट सोर्स साइंट जैसे काउंटर्स पर आपको वीकनेस दिख रही है। तो दोनों तरह के रुझान आज आईटी में बने हैं, स्पेशली मिड कैप आईटी उतार चढ़ाव का एक्शन आपको दिखा रहा है। इस बीच शुगर स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्योंकि एथेनॉल के प्राइस रिविजन के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, तो वहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनेगा। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, कुछ शुगर काउंटर्स मूव दिखा रहे थे, बलरामपुर चीनी यहां पर हमने अच्छी मूव देखी है, श्री रेणुका भी एक्शन में, धामपुर अवध ये भी एक्शन में आते हुए दिखे थे, साथ ही ईआईडी पैरी तो पिछले 2-3 दिनों से मूव कर ही रहा है। तो एथेनॉल प्राइस रिविजन के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिखी है। साथ ही E20 फ्यूल के लिए BIS नियम तैयार किए गए हैं, आइए एक बार सुन लेते हैं अनुराग ठाकुर साहब इसकी कुछ डिटेल्स भी दे रहे हैं। इसी क्रम में आगामी वर्ष के लिए चीनी मिलों द्वारा उत्पादित एथेनॉल का रिम्यूनरेटिव मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं सी हैवी मोलेसिस के उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 45.69 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 46.66 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बी हैवी मोलेसिस के उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 57.61 रुपये से बढ़ाकर 59.08 रुपये प्रति लीटर किया गया है, तथा शुगर केन जूस शुगर और शुगर सिरप से उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 62.65 रुपये से बढ़ाकर 63.45 रुपये प्रति लीटर किया गया है। द प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सी हैवी मोलेसिस रूट बी इंक्रीज फ्रॉम 45.69 रुपीज पर लीटर टू 46.66
rupees per liter. The price of ethanol from B heavy molasses route B increased from 57.61 rupees per liter to 59.08 per liter. The price of ethanol from sugarcane juice, sugar, sugar syrup route B increased from 62.65 per liter to 63.45 per liter. ये लगभग C heavy molasses में 2.12% की वृद्धि है, B heavy molasses में 2.55% की वृद्धि है, और शुगर केन जूस, शुगर और शुगर सिरप में 1.28% की वृद्धि इसमें की गई है. इसके अलावा एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा अब सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट स्थापित करने जा रही हैं. इन प्लांट्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा बायोमास, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ आदि से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, और पहले 2G प्लांट की जो स्थापना है वो उसका उत्पादन भी 2021-22 इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करने की संभावना है. ये थी बड़ी खबर अनुराग ठाकुर साहब की तरफ से. और शुगर कंपनीज के लिए एथेनॉल के प्राइसेस को रिवाइज कर दिया गया है, एथेनॉल के दामों को बढ़ा दिया गया है, और साथ ही जो ब्लेंडिंग टारगेट है उस पर भी, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उस पर भी अनुराग ठाकुर साहब अपडेट दे रहे हैं. और सारे के सारे शुगर काउंटर्स इस खबर पर रिएक्ट करते हुए आपको दिख रहे हैं. धामपुर शुगर, जिसके बारे में सुबह हम बात कर रहे थे, अवध शुगर, मवाना, द्वारिकेश, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी ऑफकोर्स, दालमिया भारत शुगर, बजाज हिंदुस्तान, KCP, श्री रेणुका, मगध शुगर, इन सभी काउंटर्स में आप दमदार तेजी इसी खबर के दम पर आते हुए दिख रहे हैं. तो शुगर स्टॉक्स में आ रही है नई जान, ये जो इन्होंने बात करी. इसके साथ ही एक बार जरा प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर को भी पुल अप करिए, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स 20% के 2025 तक का जो लक्ष्य है उसके बारे में भी अनुराग ठाकुर साहब बात कर रहे थे. नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, अपग्रेडेशन की भी बात कर रहे थे, उस काउंटर पर भी आपको रिएक्शन आते हुए दिख रहा है. तो शुगर स्टॉक्स और स्पेशली एथेनॉल रिलेटेड जो काउंटर्स हैं वहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है. राणा शुगर, यह भी एक और काउंटर है जहां पर आपको तेजी बनती हुई दिख रही है. तो शुगर सेक्टर के लिए है अच्छी खबर और उसका रिएक्शन आप आते हुए दिख रहे हैं, जो एथेनॉल के प्राइस को बढ़ाया गया है, रिवीजन किए गए हैं इनके टारगेट. धामपुर शुगर, जरा कुणाल जी इसके चार्ट पर एक बार राय दे सर, और फिर प्राज इंडस्ट्रीज इस पर जय आपसे मैं लूंगा राय. कुणाल जी, धामपुर शुगर. देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिखा था आज सवेरे, और अब इसमें एक रेजिस्टेंस है जो कि बिल्कुल करीब मौजूदा भाव के काफी करीब 332 के आसपास नजर आती है. तो ये 332-33 का स्तर अब जो है इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लेवल निकाल जाता है तो धामपुर में फिर आपको नई खेप तेजी की देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत मुमकिन है कि 375 के लेवल्स भी आते हुए दिखें. तो 333 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय है, जिनके पास है होल्ड करें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 320 पर रख लें. ओके, तो यह है आपके लिए धामपुर शुगर. जय प्राज इंडस्ट्रीज. दीपांशु, शॉर्ट टर्म में 400 रुपए तक जाने का दमखम रखता है ये स्टॉक प्राज इंडस्ट्रीज. अभी 375 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और 400 के लेवल्स जैसे निकालता है दीप, ये ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पर 400 के टारगेट्स के लिए इसको खरीदा जा सकता है, और डाउन साइड इसका एक अच्छा सपोर्ट बनकर आ रहा है 360 का. तो दीप, अगर आप देखें तो 25 रुपए की अपसाइड, 15 रुपए की एक डाउन साइड, नियरली 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है. एंड प्राज में ओवरऑल अगर हम देखें तो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, इट्स वेल इन द फेवर ऑफ द बुल्स. सो प्राज इंडस्ट्रीज में तेजी करके चलने की सलाह है मेरी. बिल्कुल, तो प्राज इंडस्ट्रीज में भी तेजी करके चलें, अच्छी खबर आ रही है शुगर काउंटर्स, एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी कंपनीज पर. आइए एक बिगुल भी है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर. बताएं वागले साहब. दीपांशु, BTST हमारा भारतीय एयरटेल ही होगा, 736-736.20 के करंट भाव से मुझे लगता है ये 750 तक जाने के लिए तैयार है. ये भाव में लेके चले, 730 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 730 का ही होगा, 6 रुपए की आपकी रिस्क होगी, ऊपर में मुझे लगता है 14-15 रुपए आपको कल के दिन में मिलने चाहिए.
पूरे पैनल का कन्विक्शन कॉल है भारती एयरटेल। सचिन जी, किरण जी, आशु सर को तो ऑफकोर्स लंबे टाइम से पसंद है, राकेश जी, कुणाल जी की कल की पिक ऑफ द डे भी है, और साथ ही अब वागले साहब का भी कन्विक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है। तो भारती एयरटेल, कुछ तो बड़ा हो रहा है इस कंपनी में। जो 5G ट्रायल्स के लिए एक्सटेंशन मांगा था, मिल तो गया इन्हें, बट एक साल का एक्सटेंशन मांगा था, 6 महीने का मिला है। बट उसके अलावा भी हम देख रहे हैं स्पेस में जो मूव आ रही है वो पॉजिटिव बाजार देख रहा है, बढ़िया एक्शन इस पर आते हुए दिखा है। पर आइए एक और काउंटर, गोदरेज कंज्यूमर, इसके भी कल आने वाले नतीजे जल्दी से जान लेते हैं वरुण के साथ कि गोदरेज कंज्यूमर सेम स्टोरी वरुण जो बाकी एफएमसीजी कंपनी, सेम स्टोरी, और स्पॉइलर तो पहले आ चुका है, अपडेट तो पहले दे चुकी है, और ऐसी कंपनी आजकल बहुत है क्योंकि पहले अपडेट दे देते तो पूरा जो मजा है वही निकल जाता है। करेक्ट, लेकिन ठीक है, पर मार्जिन का, मार्जिन तो ठीक है, वो तो कमजोर रहेंगे, इस कंपनी के भी कमजोर रहेंगे। 2% मार्जिन गिरने वाले हैं, 23% से गिर के 21.5%। देखिए इस कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान कंपनी ने ऑलरेडी लगाया है। होम और पर्सनल केयर कैटेगरी की जो बिक्री है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स अच्छी है, केवल इंडोनेशिया का जो कारोबार है वहां पे दबाव है, लैटिन अमेरिका, सार्क नेशन वहां पे बेहतर, ओवरऑल थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस देखने मिली है, तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। रेवेन्यूज 9% बढ़ेंगे 3,170 करोड़, मुनाफा जो है 4.8% बढ़ेगा 480 करोड़ पे आने वाला है। मार्जिन जैसे कि मैंने कहा दबाव में रहेंगे, मार्जिन दबाव में रहने। वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है? वॉल्यूम, अच्छा ये अच्छा याद दिलाया आपने, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर ना डिवाइडेड है, कुछ कह रहे थे कि 5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, पिछले बार भी करीब 5% के आसपास थी, लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारत में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है, अगर भारत में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है तो मेरा मानना है कि कम से कम 8-9% के आसपास आपकी वॉल्यूम ग्रोथ, तो वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव थोड़ी आ सकता है ऐसा मुझे लगता है इसके लिए, क्योंकि रेंज थोड़ी वियर्ड थी इसके लिए हमने वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर दिया। चलिए, तो रेंज थोड़ी बड़ी है पर देखते हैं पिछले समय के मुताबिक ही रहेगी या फिर बढ़कर आएगी। ब्रिटानिया में जो जैसा नेगेटिव शॉक था वैसा तो इसमें नहीं आना चाहिए, लगना तो नहीं चाहिए, लगना तो नहीं चाहिए। गोदरेज इज नोन फॉर, एक-एक टाइम था जब इसने 1-1% वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर की है। करेक्ट, तो देखते हैं फिर वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहेगी। बट हालांकि जैसा वरुण कह रहे हैं अपडेट में, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ तो कंपनी ने कहा था कि अच्छी है इनकी, देखते हैं नतीजे इस बार कैसे आते हुए दिखेंगे। जय, कोई राय गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट पर? देखिए दीप, ज्यादा गोदरेज कंज्यूमर का सवाल है, ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में हमें एक नो अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है, और अब यू नो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में हमें सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है नीचे में 950 के आसपास। तो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस, यू नो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, अग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, बिकॉज दीप अगर आप देखें तो यू नो 25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस होगा, बट जो हिसाब से काफी ओवरसोल्ड रीडिंग है इसके मोमेंटम में, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस देखने मिल सकता है इस स्टॉक में लगभग 1,020-25 तक के लेवल्स तक। तो रिस्क रिवॉर्ड तो फेवर कर रहा है लॉन्ग साइड पर, एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिल सकती है, यू नो एक अच्छा खासा एक मोमेंटम जो ओवरसोल्ड है उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक गोदरेज कंज्यूमर्स में हमें देखने मिल सकता है 1,020 तक। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर, एक बाउंस बैक दिखा सकता है, 1,000 के लेवल्स वापस क्रॉस करेगा। आइए कुछ और काउंटर्स जिसके कल आएंगे नतीजे, एक बार जल्दी से चार्ट्स पर भी उसके लिए राय ले ली जाए। वागले साहब, पीरामल एंटरप्राइजेस पर अपनी राय दें सर, आज सुबह भी अच्छे मोमेंटम में था, थोड़ा कूल ऑफ हुआ बट ठीक ठाक होल्ड कर रहा है। दीपांशु, मोमेंटम नहीं है लेकिन पैटर्न अच्छा है, मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में 2,920 तक जाना चाहिए, करंट भाव है 2,820, ऑन द डाउन साइड 2,780 ब्रेक होना नहीं चाहिए, 2,750-60 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऑन द अपसाइड 2,920 का टारगेट हो। ओके, तो यह है आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेस। किरण जी, एस्ट्रल, इसके कल आएंगे नतीजे, चार्ट जरा देखकर बताएं। देखिए एस्ट्रल काफी बार मैंने रिकमेंड किया है, और जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है काफी स्ट्रांग है, और मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 2,400-2,450 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। अभी के लिए लॉन्ग पोजीशंस बने रखे, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 2,275 का रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए एस्ट्रल पर राय। मुथूट फाइनेंस, एक बार जरा सचिन जी आप भी इस पर राय दें, फ्रेश ब्रेकआउट मुथूट फाइनेंस पर आते हुए दिख रहा है, 1,680 का लेवल अभी अभी से छुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग्स पे ही रहना है, क्योंकि जिस तरीके से इसने एक यू टर्न लिया है, एक ब्रेकआउट हुआ था 1,590 के लेवल के आसपास, अगर उस छोटे पैटर्न को भी अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर 1,730-1,750 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है। स्टॉप लॉस अभी आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1,645 पे, एंड ये स्टॉप लॉस आपको डेली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है, एंड मुझे लग रहा है रिव्यू जोन 1,750 के आसपास ही बन सकता है, सो डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस ही रखना है। लॉन्ग बायस रख सकते हैं मुथूट फाइनेंस। आशु सर, मुझे याद है पिछले महीने आपके रेडार पर अलेम्बिक फार्मा था, आज थोड़ा नतीजों के बाद फिर से मोमेंटम में आया है इस समय, और अभी अभी एक अच्छी मूव भी आई है, ट्रैक कर रहे हैं सर अलेम्बिक फार्मा को 800 के ऊपर?
बिल्कुल ट्रैक कर रहे हैं दीपांशु, और इसको ये बीच बीच में इतनी लंबी कंसोलिडेशन में चला जाता है, बट मैं इसका जो मतलब इसी के भाव के आसपास था, ऊपर भी गया फिर नीचे आया, ये डिलीवरी के लिए रखना चाहिए दीपांशु, और मुझे लगता है कि ये मतलब अलग से फार्मा में परफॉर्म करेगा जब भी करेगा। सो फार्मा वैसे भी अभी भी सेफ हेवन है, हमने पीछे हमने ग्रैनुअल की कॉल दी, ग्लेनमार्क की कॉल दी, मार्केट के चलते थोड़ा सा नीचे भी आए, थोड़ा सा मतलब नीचे आने के बाद एक मतलब एक्सपायरी के बाद एक अच्छा रिवर्सल भी देखा, आज भी ग्रैनुअल में सुबह एक अपमूव आई, तो ग्रैनुअल, ग्लेनमार्क और APL ये तीनों मुझे स्टॉक अच्छे लगते हैं। और बेस्ट है दीपांशु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिप्स बड़े अच्छे मिलते हैं और डिप्स के बाद हर बार रिकवरी भी आती है, तो किसी भी चलते जब डिप आए तो ये तीनों स्टॉक्स में बोल रहा हूँ। आपने मुझसे सवाल एक पूछा है, मैं आंसर तीन का दे रहा हूँ, ये तीन मेरी लिस्ट में है फार्मा में, ग्लेनमार्क, ग्रैनुअल और APL, इनको हमेशा डिप पे लेना चाहिए, आपको जरूर एग्जिट देते ही देते हैं, एंड लेस देन थ्री डेज के अंदर ही एग्जिट देते हैं आपको। तो नजर रखिए मोमेंटम वाले स्टॉक्स आपको वापस वापस हमेशा मौके देते रहते हैं, और ओलंपिक फार्मा अच्छे एक्शन में आया है। किरण जी बिगुल नहीं बजा रहा हूं, आपकी कॉल है सर, बताएं। मदरसन सुमी बाय करके चलना चाहिए, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस तोड़ते नजर आ रहा है और ऑप्शन बैरियर भी तोड़ रहा है 240 का, तो इधर इमीडिएटली बाय करने की सलाह है। 238 का मेरा स्टॉप लॉस, कल के लिए 250-255 के टारगेट्स, 250-255 के टारगेट्स के लिए क्लोजिंग पर किरण जी की तरफ से एक बेहतरीन BTST कॉल, 240 पर ट्रेड कर रहा है मदरसन सुमी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, और इवेंटफुल डे रहा है अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं। इंडेक्स पर भी हमने बढ़िया रिकवरी 1:30 बजे से आती हुई देखी, करीब 3 बजे तक रिकवरी ने सस्टेन किया, फिर थोड़े सुस्त वापस बाजार हुए, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो अनिल जी आज सुबह मार्केट कमेंट्री में कह रहे थे, आज की ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था अगर 18,000 के ऊपर बाजार आपको क्लोज होते हुए दिखते हैं तो फिर ये बहुत ही बढ़िया संकेत है, और देखिए 18,000 निफ्टी ने होल्ड किया है और उसके करीब ही क्लोजिंग के संकेत आ रहे हैं। प्रोविजनल बेसिस पर तो 18,000 के ऊपर की ही क्लोजिंग बनती हुई दिख रही है, 39,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने भी होल्ड किया, तो सुस्ती दिखी है बाजार में, पर एंड में रिकवर करके इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोज दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहां से रहा आज का पार्टिसिपेशन निफ्टी में, UPL 3.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर 3.5%, M&M कल की गिरावट के बाद ब्रिटानिया में एक्शन, दो दिग्गजों ने बाजार को सहारा दिया है। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर और ITC, इसमें भी करीब 1% की खरीदारी, थोड़ा एक्शन HDFC लिमिटेड और L&T में भी आपको बनते हुए दिखा, जहां से निफ्टी को सहारा मिला। पर इंडसइंड बैंक 3.5% नीचे था, मेटल्स में आज वीकनेस थी, नतीजों से पहले टाटा स्टील 3% गिरा, हिंडालको और JSW स्टील में भी कमजोरी, HUL, HDFC बैंक, कोटक और ICICI बैंक, इन दिग्गजों में गिरावट की वजह से निफ्टी पर थोड़ा प्रेशर बना, ज्यादा प्रेशर ऑफकोर्स आपको बैंक से आते हुए दिखा। वायदा कारोबार की बात करें, 10% स्ट्राइड्स निचला सर्किट क्लोजिंग पर आते हुए दिखा, लगभग 10% का निचला सर्किट फर्स्ट सोर्स पर भी आपको दिखा, 9.5% नीचे, BHEL नतीजों का रिएक्शन इस पर, इंडिया सीमेंट्स नतीजों का रिएक्शन, बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन, आशु जी की सेल कॉल 5% नीचे, सेल और कल शायद वायदा कारोबार के बैन में भी आ जाए ये काउंटर, ओबरॉय रियल्टी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, नैल्को, कैनरा बैंक, NMDC नतीजों से पहले, बिरला सॉफ्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनाइटेड ब्रूरीज यहां पर भी कमजोरी बनते हुए दिखी। पर MCX हमारी एक्सक्लूसिव खबर, FPIs को मिल सकती है मंजूरी कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए, 5.5% ऊपर ये काउंटर, इंडिया मार्ट, TVS मोटर्स, ऑरो फार्मा यहां पर अच्छा एक्शन, अनिल जी भी आज सुबह इस काउंटर के बारे में बात कर रहे थे, डेल्टा कॉप 300 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ, मुथूट फाइनेंस, गुजरात गैस, इप्का लैब्स, पीरामल एंटरप्राइजेस नतीजों से पहले एक्टिव, और किरण जी की कॉल मदरसन सुमी। आज का डेब्यू नई लिस्टिंग नाइका, जरा एक बार इस पर भी डाल देते हैं नजर, दमदार लिस्टिंग हुई, 83% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और अब 96% ऊपर बन हो रहा है, 2200 के ऊपर नाइका, तो पहले ही दिन डेब्यू पर जैसा अनिल जी सुबह कह रहे थे डबल होने के आसार आपको दिख रहे हैं, और लगभग डबल होते हुए दिखा, 1125 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले में 2200 के ऊपर नाइका की क्लोजिंग है, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप इसका आते हुए दिखा, तो कई निफ्टी कंपनी से भी ज्यादा का मार्केट कैप इसमें आपको दिखा है, नाइका जबरदस्त एक्शन डेब्यू के दिन। थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग रेट्स आपके सामने आएंगे, आइए उससे पहले आपको बता दें कि आज शाम दमदार प्लानिंग की गई है आपके लिए इवनिंग शोज की। छोटे शहरों के बड़े सपने अब साकार होने लगे हैं, इस काम में सोशल मीडिया बड़ी भूमिका निभा रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऑनलाइन का बढ़ता दायरा पढ़ाई से लेकर जॉब्स तक में हमें दिख रहा है, लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो गया है ये। छोटे कस्बों में होनहार लोग सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट के बूते पर न केवल पैसे कमा रहे हैं बल्कि लोगों को आगे बढ़ने की सीख भी दे रहे हैं, वहीं कई होनहार सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को बैसाखी बनाकर
पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश तक जाने के अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। आज हम अपने शो आपकी खबर आपका फायदा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किसे सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे ने दुनिया को सिमटा दिया है और कैसे युवा इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ होंगे सुमित जैन, को-फाउंडर यॉकेट, साथ ही रोहित गनेरीवाल जो कि डायरेक्टर हैं कॉलेजिफाई, और नीतू सिंह जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं केडी कैंपस के। तो देखना ना भूले शाम 5 बजे सोशल मीडिया सपनों की सीढ़ी। इसके साथ ही देश में जैसे जैसे कोरोना की लहर धीमी पड़ती दिख रही है वैसे वैसे ही शादियों की प्रचंड लहर आ रही है। 14 नवंबर से 13 दिसंबर ये जो एक महीने का पीरियड है इसके बीच शादियों का पहला सीजन होगा और इस दौरान 25 लाख शादियां होंगी। शादी के इस सीजन से कितना कारोबार होगा, कोरोना के बाद हो रही ये बंपर शादियां इकोनॉमी के लिए कितनी फायदेमंद होंगी, करेंगे हर पहलू पर चर्चा। शहर शहर शादियों की लहर और इसके साथ ही मामला क्या है मैं आज हम आपको बताएंगे। चीन के साथ भारत का कारोबार पिछले 10 महीने में $100 बिलियन पर पहुंच चुका है। ये स्थिति कब तक, जब चीन के साथ भारत की तानागिती जारी है, तो आखिर किन वजहों से कारोबार में आई है ये तेजी, समझाएंगे हर वजह एक कदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में। चीन से तकरार, क्यों बढ़ा कारोबार। तो ये इंटरेस्टिंग शोज हैं आपके लिए जो आज शाम आप हमारे साथ देख सकते हैं, जी बिजनेस पर देखना ना भूलें। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके सामने, 18,000 का लेवल आसानी से होल्ड किया है निफ्टी ने, 18,017 मामूली गिरावट के साथ क्लोज होती है। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा डीपर कट था, करीब 350 पॉइंट्स नीचे, बट मोर इंपॉर्टेंटली 39,000 का लेवल बैंक निफ्टी पर भी डिफेंड कर लिया है। तो क्लोजिंग सुस्त हुई थी, निफ्टी पर बढ़िया रिकवरी के साथ लगभग फ्लैट आप क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी थोड़ी सुस्त है बट अगेन इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने, और 60,350 पर सेंसेक्स की भी क्लोजिंग आती हुई दिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशु सर आपका